हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सो सभी का स्वागत करते हुए एक बार जल्दी से बताइएगा ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर है क्या एक बार जल्दी से बताइए सर सभी को एकदम आवाज़ क्लियर आ रही है क्या ग्रेट सो अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू अ वेरी गुड मॉर्निंग आज के इस डेटा लिंक क्लियर महा मैराथन पार्ट टू में आप सभी का स्वागत करता हूँ हेलो ड्रॉपर गुड टू सी यू बिफोर टाइम सर दैट्स ग्रेट हेलो शिवम बहुत अच्छे सो आई थिंक वी आर लाइव नाउ और जो भी डाउट जो भी कन्फ्यूज़न होगा आप मेंशन करते कर चलेंगे कल बाद में हालांकि आई थिंक वी इवन मैनेज टू गेट अ टू आवर्स क्लास तो आज उसी डिस्कशन को आगे बढ़ाना है और आई होप कि कल का रिकॉर्ड आज हम ब्रेक करेंगे और जो डेटा लिंक लियर पर हम डिस्कशन कर रहे थे दैट डिस्कशन विल गो ऑन एंड आफ्टर डिस्कसिंग एक्सेस कंट्रोल हेलो वेब विद शिव कल हम बात कर रहे थे एक्सेस uh, कंट्रोल की जहाँ पर एक मेजर प्रॉब्लम जो हम हैंडल कर रहे थे दैट वॉज़ कि अगेन अगर एक से ज़्यादा डिवाइस हैं और मीडियम शेयर्ड है तो किस तरह से हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे यू you इनो know? दैट मल्टीपल डिवाइसेज वहाँ पे हैं तो कौन एक्सेस कर रहा होगा कौन किसका नंबर कब आएगा किसका नंबर बाद में आएगा वो सारी कहानी यस नाउ टुडे एक बड़ी प्रॉब्लम डेटा लिंक क्लियर की और मेरे ख्याल से बड़ी प्रॉब्लम और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जिससे आप हिस्टोरिकली देखेंगे तो बैक टू बैक क्वेश्चंस पूछे गए हैं हेलो सचिन गुड मॉर्निंग दैट इज़ फ्लो कंट्रोल फ्लो एर एर कंट्रोल टू बी प्रोसाइज बट एक्चुअली ये द मेन आइडिया इज़ फ़्लो कंट्रोल और यहाँ पर फ्लो कंट्रोल कैसे किया जाता है हाँ फ्लो कंट्रोल करने के कौन कौन से मैकेनिज़्म हैं उन सारे पॉइंट्स में डिस्कशन करूँगा अगर आपने कभी नाम सुना हो स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल सो दिस इज़ ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आइडिया जिसका इस्तेमाल करके प्रॉब्लम हम सॉल्व किया करते हैं जिसमें तीन इम्पॉर्टेंट अप्रोचेज़ हमारे पास हैं स्टॉप एंड वेट इज़ देयर गो बैक एंड इज़ देयर एंड सलेक्टिव रिपीट इज देयर स्टॉप एंड वेट ए आर क्यू गो बैक एंड ए एंड सेलेक्टिव रिपीट ए सो तीनों प्रोटोकॉल्स हमारे पास हैं इन तीनों पर काम करना इन तीनों को प्रोसेस करना है ना वो सारी चीज़ें वन बाय वन जब हम ऑब्जर्व करेंगे उसके ऊपर काम करेंगे तो आई थिंक Uh, बहुत सारी लर्निंग हमारी होगी और जो गेट पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन वहाँ पर आते हैं उनको कैसे टैकल करना उनको कैसे सॉल्व करना एक एक करके उसके बारे में बात करूँगा यस yes. तो जितने भी लोग यहाँ पर हैं सर एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए इफ़ यू आर रेडी देन मैं डिस्कशन शुरू करूंगा और सीधे आपसे बात करूंगा स्टॉप एंड वेट की पहले मैं प्रॉब्लम पर डिस्कशन कराऊंगा ऑब्वियसली कि एग्जैक्टली exactly क्या प्रॉब्लम है जिस प्रॉब्लम को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे और जब प्रॉब्लम आपको समझ आएगी ग्रेट सचिन ग्रेट जब प्रॉब्लम आपको समझ आ जाएगी तो सॉल्यूशन भी फिर मुश्किल नहीं लगेगा है ना चीज़ें अगर एक लिंकेज में चल रही हो तो फिर पूरे टॉपिक को पढ़ने में समझने में उसका एनालिसिस करने में प्रॉब्लम नहीं होती है ठीक है सर तो मैं सीधे आपको समझाता हूँ प्रैक्टिकल आइडिया क्या है और स्टॉप एंड वेट काम करता कैसे है देखिए ये समझिए जब भी नेटवर्क में सर कोई भी कम्युनिकेशन होगा प्लीज अंडरस्टैंड जब भी नेटवर्क में कोई कम्युनिकेशन होगा तो दो पार्टीज वहां पर इन्वॉल्व होंगी कौन कौन सी एक पार्टी होगी सेंडर ऑब्वियसली और दूसरी पार्टी सर हमारे पास होगी रिसीवर वन इज सेंडर एंड अनदर वन इज़ रिसीवर और सेंडर और रिसीवर ऑब्वियसली आपस में डेटा एक्सचेंज कर रहे होंगे अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम समझिएगा जैसा ये पूरा हेडिंग हम देख रहे हैं फ्लो कंट्रोल प्रॉब्लम क्या है सर प्रॉब्लम ये है कि सेंडर के लेवल पे तो फ्लो कंट्रोल से कोई प्रॉब्लम नहीं है जाहिर सी बात है जब कोई स्टेशन ट्रांसमिट करेगा है ना और यहाँ पे वो सेंडर होगा वो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ही ट्रांसमिट करेगा है ना इसमें कोई डाउट नहीं है लेकिन अगर रिसीवर के डेटा को डाइजेस्ट करने की कैपेसिटी कम हुई लेकिन सेंडर ज़्यादा स्पीड से ट्रांसमिट करे तो क्या होगा बताओ प्रॉब्लम होगी सर कि आप एक बात समझ पा रहे हैं क्या कि फ्लो कंट्रोल या स्पीड ऑफ कम्युनिकेशन एक्चुअली एक प्रॉब्लम है पहले ये बताइए सब लोग जी हाँ बिल्कुल आप दे सकते हैं आप चाहें तो अभी से भी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं हालांकि मैं एडवाइस करता हूँ फर्स्ट ईयर में एप्टीट्यूड है रीजनिंग है मैथमेटिक्स है उस पर थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड आप करें बट अगेन अगर सब्जेक्ट के थोड़ा टच में रहना चाहते हैं तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है येस देखिए सर मैं क्या सवाल आपसे पूछ रहा हूँ मैं पूछ रहा हूँ कि फ्लो कंट्रोल एक रियल प्रॉब्लम है भी या इसको एक अच्छा प्रॉब्लम मानने की जरूरत ही नहीं है बता सकता है क्या Here, asking about flow control. अगर हम कोई अच्छा फ्लो कंट्रोल मैके लगाएंगे तो सेंडर अपने हिसाब से सेंडर ने यहाँ पे थ्री वे हैंड चेक तो किया नहीं है क्या हम कोई कनेक्शन स्टेब्लिश कर रहे हैं नहीं कर रहे यस सो प्रॉब्लम यह है सेंडर yes. so, अपनी स्पीड से डेटा ट्रांसमिट करता है और अगर रिसीवर ऑलरेडी ओवरवेलम्ड है हो सकता है रिसीवर पहले से कुछ और काम कर रहा हो हो सकता है रिसीवर किसी और के साथ भी कम्युनिकेशन में हो तो यहां पर वो आपके डेटा को प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा ये एक प्रॉब्लम है पहले जो आपको समझना है प्लीज अंडरस्टैंड हाँ ये बात समझ पा रहे हैं क्या रिसीवर उस डेटा को प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा जानवी मेरी क्लास थर्ड ऑफ अक्टूबर से होगी इलेवन एम थर्ड ऑफ अक्टूबर एलेवन एम से होगी तो अब यहाँ पे एक बात समझिए हम जो सबसे फंडामेंटल काम कर सकते हैं वो ये कि हम एक मौका दे सकते हैं रिसीवर को एक्नॉलेजमेंट भेजने का तो फ्लो कंट्रोल में हम क्या करेंगे हम बोलेंगे सेंडर से जो पहला वर्जन है जिस कॉल स्टॉप एंड प्रोटोकॉल पहला वर्जन क्या कहता है कि जैसे ही आप कोई फ्रेम आप कोई पैकेट सेंड करते हैं रिसीवर के पास तो क्या एक पैकेट भेजने के बाद आप बैक टू बैक बैक टू बैक उसके बाद और पैकेट्स भी भेज सकते हैं क्या आंसर इज नो आंसर इज नो नो दिस इज नॉट मास्टर बैच दैट विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो ये तो मैं एक डेटा लिंक लेयर पे इन डेप्ट डिस्कशन आप लोगों से कर रहा हूँ देखिए मैं क्या प्रॉब्लम डील कर रहा हूँ कि सेंडर जब एक पैकेट लेट मी नंबर इट एज लाइक पैकेट नंबर वन फॉर एग्जाम्पल मैं जब भेजूंगा तो उसके बाद क्या मैं एक और पैकेट भेजूंगा नहीं हम सेंडर को परमिट नहीं कर रहे कि वो सब्सिक्वेंटली इसके बाद फर्दर पैकेट सेंड करे क्यों बिकॉज हमें इस बात का रिस्क है कि शायद रिसीवर ऑलरेडी ओवर है रिसीवर ओवरलोडेड है और जब तक फर्स्ट पैकेट का एक्नॉलेजमेंट नहीं आ जाता तब तक हम सेकेंड पैकेट ट्रांसमिट नहीं करेंगे है ना तो ये आपको समझना पड़ेगा एज सुन एज रिसीवर एक्नॉलेजमेंट सेंड कर देगा कि हाँ वो पैकेट बिना किसी गड़बड़ी के बिना किसी प्रॉब्लम के प्रॉपर तरह से हमारे पास पहुंच गया है तब तक सेंडर अगला पैकेट सेंड ना करे इसी वजह से इसी वजह से इसको हम स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल भी कहते हैं मुझे बताइए पहले इतनी बात समझ आ रही है क्या क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे इक्वेशंस भी डिराइव करेंगे कॉम्पलेक्स प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे आप मुझे अलाउ करोगे तो विल ट्राई टू टेक ईच एंड एवरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पॉसिबल बट उसके लिए मुझे थोड़ा सा सपोर्ट आपका चाहिए है ना एक्टिव इन्वॉल्वमेंट चाहिए सर तो एक बार पूरा प्रोसेस देखिए और मुझे बताइए सचिन वेरी गुड सचिन अपडेट्स रवि जाहवी शब्बीर एवरीबडी बेसिक आइडिया भी क्या समझ आ रहा है क्या यहाँ पर हम सेंडर को बैक टू बैक बैक टू बैक एक के बाद एक के बाद एक फ्रेम भेजने देते हैं या फिर एक फ्रेम भेजने के बाद विल स्टॉप एंड विल वेट फॉर द एक्नोलिजमेंट ऑफ दैट फ्रेम और एक बार जब एक्नोलिजमेंट आ जाता है उसके बाद हम कुछ और करेंगे बताइए ये बात समझ आ रही है क्या हाँ सर सो दिस इज अ बेसिक will यू a फ्रेम एंड देन यू वेट यू सेंड अ फ्रेम एंड देन यू वेट है ना एक और बात एक और बात ध्यान से देखिएगा मान लीजिए मान लीजिए कि कोई फ्रेम वहां पर आपने भेजा हाँ या बल्कि मैं पहले वाले में चेंज करके आपको दिखाता हूँ सपोज करिए कोई फ्रेम हमने वहां पर भेजा और ट्रांसमिशन के दौरान ही है ना समथिंग रॉन्ग विद डैट फ्रेम ट्रांसमिशन के दौरान ही क्या हुआ सर उसमें कुछ गड़बड़ी हो गया है ना हो सकता है ना कभी भी कुछ भी गड़बड़ हो सकता है इन दैट केस रिसीवर के मान लीजिए लेट मी से इट इज़ लॉस्ड या फ्रेम कैन बी लॉस इन द मीडियम ना तो हमारा जो फ्रेम है सर वो नेटवर्क में लॉस हो गया अब जैसे ही वो फ्रेम नेटवर्क में लॉस हुआ रिसीवर को तो पता नहीं सेंडर क्या करता है जैसे ही वो एक फ्रेम सेंड करता है वो एक टाइमर चलाता है है ना सेंडर के हिसाब से इक्कीस यार इफ़ एवरीथिंग इज़ फाइन ना ऑन सम बेसिक अंडरस्टैंडिंग वो आगे हम डिस्कशन करेंगे इफ एवरीथिंग इज फाइन इतने टाइम के अंदर एक्नॉलेजमेंट आ जाना चाहिए था आम तौर पे गौर से सुनिएगा आम तौर पे इस टाइमर को हम बोलते हैं टीओटी। टीओटी टी फॉर टाइम आउट टाइमर पूरी बात ऑब्जर्व करिए आम तौर पे क्या बोलते हैं टी टाइम आउट टाइमर सो जैसे ही टाइम आउट होगा सेंडर को नहीं पता क्या प्रॉब्लम है है ना आइदर फ्रेम लॉस हुआ है या फ्रेम करप्टेड पहुंचा है या राउटर बिजी है हमें नहीं पता बट ऑब्वियसली देर समथिंग रॉन्ग क्योंकि समथिंग रॉन्ग है तभी तकनोलेजमेंट नहीं आया हमारे पास सोचिए अगर सब चीज सही होता तो अब तक हमारे पास एक्नोलेजमेंट आ चुका होता बोलो हाँ ना यस yes. तो समथिंग रॉन्ग कुछ प्रॉब्लम्स थी इसीलिए हमारा एक्नोलिजमेंट विद ए टाइम नहीं आया तो नाउ आफ्टर सम टाइम सेंडर विल अगेन ट्रांसमिट विल अगेन ट्राई टू ट्रांसमिट द सेम फ्रेम इसीलिए इसका नाम गौर करिए ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट है नाउ आई थिंक यू कैन डिकोड दिस नेम इसीलिए इसका नाम सर हम क्या रख रहे हैं ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट नाउ यू मस्ट अंडरस्टैंड कि क्यों बोल रहा है ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट बिकॉज नो बडी आस्क यू टू री ट्रांसमिट एक समय के बाद अगर कुछ भी गड़बड़ होगा तो आपके पास नहीं आएगा एक्नॉलेजमेंट आपके पास अगर नहीं आया तो अब कोई ऑप्शन आपके पास नहीं रह नहीं जाएगा अपार्ट टू रीट्रांसमेट आप ऑटोमेटिकली रिट्रांसमेट करने लगेंगे यस yes. देखिए सर पूरा पैटर्न देखिए ऑब्जर्व करिए मुझे बताइए बात समझ आती है क्या हम्म एंड बिकॉज ऑफ दिस अंडरस्टैंडिंग अब मेरे ख्याल से पूरा नाम हम डिकोड कर पा रहे हैं दैट इज स्टॉप एंड वेट ए आर क्यू अब यहाँ पर देखिए थ्योरेटिकल तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं धीरे धीरे मैं ऐडॉन करते चलूंगा एग्जामिनर की आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है है ना और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं उनको सॉल्व करने के लिए क्या क्या लॉजिक होना चाहिए मैं एक दो सिंपल क्वेश्चंस पहले आपसे ट्राई कराता हूँ और देन बहुत सारे फॉर्मूलाज एंड अंडरस्टैंडिंग है बट आई कम बैक टू दोस्टेंड सम आइडिया शायद आप पूछ रहे कितना होता है देखिए स्टॉप एंड के अंदर बोर्ड द साइज ऑफ सेंडर एंड रिसीवर विंडो इज वन ओनली सर इज वन ओनली क्योंकि स्टॉप एंड वेट ना बहुत प्रिमेटिव बहुत तो ऑर्थोडॉक्स वर्जन है जो इधर उधर की ज़्यादा बात करता ही नहीं है वो बहुत बेसिक से डिस्कशन स्टार्ट करता है चलिए ज़रा ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए बिकॉज पूरा गेम तो सर पी वाई क्यूज का है और ज़रा टेस्ट करके देखते हैं कि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ठीक ठाक चल रही है कि नहीं और किस लेवल पे किस तरह के क्वेश्चंस अपन यहाँ पे हैंडल कर सकते हैं वेरी गुड हाँ सर दो मिनट का समय में देना चाहता हूं आपको ध्यान से सर एक एक करके सारा आइडिया समझाएंगे डोंट वरी पहले वी आर ऑन स्टॉप एंड वेट जब स्टॉप एंड वेट हम समझेंगे पूरी एनालिसिस करना सीख जाएंगे जब हम ये सीखेंगे कि स्टॉप एंड वेट में क्या प्रॉब्लम है बिकॉज ऑफ विच वी हैव टू सीज टू गो बैक एंड एन रिपीट तो उसका भी मौका आएगा डोंट वरी यस अभी जरा आप ये क्वेश्चन ऑब्जर्व करें गेट 2016 का क्वेश्चन है टू मार्क का और ऐसा नहीं है कि सिंपल स्टॉप एंड वेट पे क्वेश्चन आए नहीं उसी का एक एग्जाम्पल है तो दो मिनट लीजिए पूरा क्वेश्चन पहले वन बाय वन पढ़िए देखिए क्या क्या बोल रहा है और फिर मुझे बताइए कि कैसे उसको आप टैकल करने की कोशिश करेंगे हाँ सर आप में से कोई फॉलो कर पा रहा है क्या क्या अंडरस्टैंडिंग है क्या अप्रोच है चलिए एक एक करके अभी आगे बढ़ते हैं जो जो डेटा मेरे पास गिवन है मैं लिखते जाता हूं एंड देन विल फर्दर गो एंड विल इन्वेस्टिगेट जो भी डाउट जो भी कंफ्यूजन होगा आप मुझे बताएंगे देखिए अंडर यूज स्टॉप एंड विथ एआर प्रोटोकॉल फॉर अ रिलायबल ट्रांसमिशन ऑफ फ्रेम्स एक सिंपल ए आर क्यू प्रोटोकॉल है फ्रेम ट्रांसमिट करना है द फ्रेम आर ऑफ साइज वन थाउजेंड बाइट्स तो ये देखिए जो पहला इम्पोर्टेंट डेटा और कल जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे एक्सेस कंट्रोल वहाँ भी इस तरह का डेटा आ रहा था तो जो पहला इंपॉर्टेंट डेटा मिला कि हर फ्रेम जो है सर वो वन थाउजेंड बाइट्स का है एंड द ट्रांसमिशन रेट एट देंडर इज एट्टी के बी पी एस अच्छा ट्रांसमिशन रेट तो उसने बोला बट एट द सेंडर बोला है चलो कोई बात नहीं तो ट्रांसमिशन रेट इज़ नथिंग बट द बैनविट मैं सबस्क्रिप्ट में ऐसे लिख देता हूँ ताकि मुझे याद रहे कि सेंडर की बैनविट है और उसने क्लियर कट बोला इट इज़ एट्टी के एंड के मीन्स वन वो भी अलग से बता रहा है सो लेट मी राइट एट्टी इंटू टेन रिज टू पार थ्री बिट्स पर सेकेंड ये सेंडर का ट्रांसमिशन है द साइज ऑफ एक्नॉलेजमेंट इज वन हंड्रेड बाई तो इसका मतलब यहाँ पर ये लेंथ मी से फ्रेम की है और ये डबल डेटा हमसे कंप्यूट कराना चाह रहा है एक्नॉलेजमेंट भी इग्नोर नहीं है तो जो लेंथ एक्नॉलेजमेंट का डेट इज़ वन हंड्रेड बाइट एंड द ट्रांसमिशन रेट ऑफ द रिसीवर तो जो बैंडविथ है रिसीवर की क्योंकि हर किसी का डेटा रेट अलग अलग हो सकता है दैट इज़ एट के बी पी एस है ना वो एट्टी था ये एट है ओके सॉरी दैट वॉज वन थाउजेंड ना उजेंड ये एटी ये एट के बी पी एस है ना है क्लियर कट एक बार बता रहा है कि प्रोपोगेशन डिले यानी के सेंडर से रिसीवर तक पहुंचने का जो समय होगा दैट इज गोइंग टू बी वन हंड्रेड मिली सेकेंड वो आपके बिहार पे पहले से कैलकुलेट करके बता रहा है एज्यूमिंग नो फ्रेम्स इज लॉस्ट द सेंडर थ्रू पुट इज तो सवाल ये है कि अगर कोई भी फ्रेम लॉस ना हो रास्ते में तो थ्रू पुट क्या है ना वट इज़ थ्रू पुट अब देखिए यहाँ से रिवर्स तरह से आपको इन्वेस्टिगेट कराता हूँ थ्रू पुट इज़ काइंड ऑफ रियल आउटपुट थ्रू पुट वैसे तो एक सब्जेक्टिव यूनिट है जिसका टॉपिक टू टॉपिक सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट आप समझिए मतलब चेंज हो सकता है है ना किसी फैक्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में आप बोलेंगे थ्रूपुट क्या है तो वी कैन से फॉर एग्जांपल द नंबर ऑफ कार प्रोड्यूस्ड इन अ डे रियल आउटपुट क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम में हम पूछेंगे थ्रूपुट क्या है नंबर ऑफ प्रोसेसेस एग्जीक्यूटेड पर यूनिट टाइम कैन बी द थ्रूपुट यहां पर जब हम बोलते हैं थ्रूपुट क्या है थ्रूपुट मींस द रियल बैंडविड्थ रियल ट्रांसमिशन रेट जो हमारे हाथ में आया तो यहां पर हम बोलते हैं थ्रूपुट इज एफिशिएंसी इनटू बैंडविड्थ है ना अभी इसने किसका पूछा है सर सेंडर का थ्रूपुट पूछा है ना तो सेंडर के केस में सेंडर का बैंडविड तो ऑलरेडी मेरे पास है गौर करिए सेंडर का बैंडविड तो ऑलरेडी मेरे पास है मेरे पास क्या नहीं है सेंडर की एफिशिएंसी नहीं है ना इन ऑर्डर टू इन्वेस्टिगेट इन एफिशिएंसी मैं दोबारा बोलता हूँ आमतौर पर खैर यहाँ पर भी वॉट इज एफिशंसी एफिशियंसी इज ट्रांसफर टाइम यानी कि जिस टाइम में हम एक्चुअल ट्रांसमिशन कर रहे थे डिवाइडेड बाय टोटल टाइम दिस इज़ अंडरस्टैंडिंग सर ट्रांसफ़र टाइम डिवाइडेड बाय टोटल टाइम है ना तो अब अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा सेंडर के केस में ट्रांसफर टाइम क्या होगा तो ट्रांसफ़र टाइम का फॉर्मूला कल भी हमने इन्वेस्टिगेट किया था जब हम बात कर रहे थे एक्सेस कंट्रोल का इट इज़ लेंथ डिवाइड बाय बैंडविड्थ प्लीज़ अंडरस्टैंड व्हाट इज़ ट्रांसफ़र टाइम सर

यहाँ पे ज़ीरो से ज़ीरो गया सो so बेसिकली आपका जो ट्रांसमिशन टाइम है वो आ गया हंड्रेड मिली सेकेंड प्लीज अंडरस्टैंड है ना अच्छा ज़रूरत इधर भी पड़ेगी मैं गौर करके बता दूँ जब ट्रांसमिशन टाइम हम एक्नॉलेजमेंट के, के केस में देखेंगे क्योंकि एक्नॉलेजमेंट का साइज बताया है तो ऑब्वियसली अब उसे इग्नोर तो नहीं कर सकता तो एक्नॉलेजमेंट का लेंथ कितना बोलिए एक्नोलेजमेंट का लेंथ है हंड्रेड बाइट्स और 800 बिट्स

पूरा का पूरा टाइम यहाँ पर ऑब्जर्व कर पा रहा है कितना हो गया सर हंड्रेड मिली सेकेंड नाउ टेकिंग बोथ ऑफ दम इनटू कंसिडरेशन सर जब दोनों का कंसिडर करेंगे अब बताइए एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं मैंने एज अ सेंडर क्या काम किया सर मैंने ट्रांसमिशन किया हंड्रेड मिली सेकेंड यूज़ किया बस यही मेरा रियल आउटपुट है क्योंकि मैं तो एक बार में एक ही फ्रेम भेजता हूँ बट एक फ्रेम भेजने के बाद वो फ्रेम गया जाने में कितना टाइम लगेगा टी पी प्रपोकेशन डिले जो पहले से गिवन है हंड्रेड मिली सेकेंड मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे राउटर और क्यूइंग डिलेज हमने इग्नोर कर दिए प्रोसेसिंग डिले भी रिसीवर एंड पे नहीं बताया गया दैट इज आल्सो इग्नोरड लेकिन उसके बाद जब एक्नॉलेजमेंट भेजा तो क्या उसका ट्रांसमिशन टाइम कंसीडर करना पड़ेगा जी हाँ तो एक्नोलेजमेंट का ट्रांसफर टाइम कितना लगा बोलिए पहले से कैलकुलेट रख करके रखा है अगेन वन हंड्रेड मिली सेकेंड और वो एक्नॉलेजमेंट आप तक पहुंचेगा इन अगेन 100 हंड्रेड मिली सेकेंड सो प्रैक्टिकली एफिशियंसी यहां हो जाती है 100 बाय 400 हंड्रेड मिली सेकेंड और 1 बाय फोर मैं एक मिनट रुक जाता मैं आपसे पूछ रहा हूं पूरा कैलकुलेशन देखिए वन बाय वन आगे की बात इन्वेस्टिगेट तभी कर पाएंगे सर जब कम से कम यहां जो डिस्कशन अभी यहां तक कर रहे हैं वो बात समझ आ रही हो होस yes. अच्छा क्योंकि एफिशिएंसी अब मेरे पास आ चुकी है नाउ आई कैन यूज़ दिस ओरिजिनल फार्मूला विच इस थ्रूपटिकल्स टू एफिशियंसी इन टू सो एफिशियंसी था वन बाय फोर और बैंडविट था एट्टी के है ना अब याद रखिएगा के मीन्स डेज टू पार थ्री से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ आंसर बाइट्स में चाहिए तो पहले तो इसको डिवाइड करने दीजिए मुझे एट्स से मैं एट से डिवाइड करूँगा दैट विल बी टेन और फोर से डिवाइड करूँगा टू पॉइंट फाइव और वन थाउजेंड से मल्टीप्लाई करूंगा सो इट विल कम समथिंग अराउंड टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड बाइट्स पर सेकेंड टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड बाइट्स पर सेकेंड सर न्यूमिनेटर में वन थाउजेंड होगा ना किधर बेटा बहुत सारे इक्वेशन है बहुत सारे कैलकुलेशन हुआ उत्सव मुझे बताओ किधर पूछ रहे हो आप बेटा स यू आर आस्किंग अबाउट दिस वन थाउजेंड वाला फाइनल इक्वेशन में नहीं मतलब टेन रेस टू पार थ्री इज नथिंग बट वन थाउजेंड एट्टी के बी पी एस था ना तो एट्टी टू टेन रेस टू पार थ्री डिवाइड बाई एट किया फाइनल इक्वेशन अच्छा कोई बात नहीं मुझे यस में आंसर करना है. क्या आप थ्रूपुट ठीक है सर ओके सो दिस इज अ क्वेश्चन जहां पर एफिशिएंसी हमने पहले कैलकुलेट करी जो बेसिक फंडामेंटल्स है ड्रॉपर आप बताना आपको समझ आया क्या जो बेसिक फंडामेंटल वो बिल्कुल सेम है एंड अकॉर्डिंगली हम पूरा कैलकुलेशन कर पाए देखिए अगेन एक बात बोलूँगा कोई सा बैच हो कोई मीडियम हो चाहे वो अनकेडमी प्लेटफॉर्म हो या यूट्यूब का माध्यम हो पढ़ना तो पड़ेगा है ना आपको वहाँ पे यू नो पार्टिसिपेट करना पड़ेगा चीज़ों को ऑब्जर्व करना पड़ेगा जो बात बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनना पड़ेगा तब जाके क्वेश्चन सॉल्व होंगे तब जाके अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी यस ठीक है ओके okay देन एक क्वेश्चन और पूछता हूँ चार ऑप्शन आपके पास है अगेन यू टेक टाइम तीन से चार मिनट का समय लीजिए कोई दिक्कत नहीं है तीन से चार मिनट का समय लीजिए नो प्रॉब्लम एट ऑल और मुझे बताइए कि कैसे उसे हैंडल करेंगे ये लीजिए जस्ट मैंने टाइमर स्टार्ट कर दिया फॉर एन ऑब्जरवेशन टेक टाइम पूरा चार मिनट का समय दे रहा हूं ऑप्शंस अच्छा, yes. आपके पास है चल रहा है दिमाग लगाइए बताइए आंसर क्या होगा वेरी गुड उसके बाद भी समय कम पड़े तो बताइएगा वेरी गुड सचिन सिंह सी इज द करेक्ट आंसर ओके सर बाकी लोग देखिए बहुत बेसिक बहुत फंडामेंटल क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं बट जब तक इनपे क्लैरिटी नहीं होगी तब तक यू नो गो बैक या सेलेक्ट रिपीट वाले क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे ओके okay, सर तो काफी लोगों ने मेरे को समझा कि बोला है करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी फेयर ना अब मैं एक एक करके आगे बढ़ता हूँ जो जो डेटा गिवन है उसे इन्वेस्टिगेट करते हैं वन बाय वन उसके बाद आप देखिए ऑब्जर्व करिए और कोई डाउट कोई कंफ्यूजन होगा तो मुझे बताइएगा है ना पूरा गेम पैटर्न पे काम करने का ऑब्जर्व करने का सॉल्व करने का है चलिए एक एक करके मैं आगे बढ़ता हूँ एक एक करके नाउ लुक एट दस क्या ये बोल रहा है और किस तरह से इसे ऑब्जर्व करना है बोला सपोज द स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल इज यूज ऑन अ लिंक विद अ रेट ऑफ सिक्सटी फोर किलो बिट्स पर सेकेंड तो यहाँ पे क्लियर कट बैंडविथ हमें समझ आ जाती है बैंडविथ इज 64 फोर किलो बिट्स लेट मी जस्ट रिमूव दिस फोर किलोबिट्स है ना सिक्सटी फोर किलोबिट्स पर सेकेंड एंड ट्वेंटी मिली सेकेंड प्रोपोगेशन डिले जो प्रोपोगेशन डिले यहां पर है वो है टू जीरो ट्वेंटी मिली सेकेंड एज्यूम दैट द ट्रांसमिशन टाइम फॉर द एक्नोलेजमेंट एंड द प्रोसेसिंग टाइम एट द नोट आर नेग्लेजेबल एंड प्लीज अंडरस्टैंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो ट्रांसमिशन डिलेज हैं और जो प्रोसेसिंग डिलेज हैं क्या नेग्लेजिबल हैं तो लास्ट क्वेश्चन की तरह वो कुछ भी कंसीडर नहीं करना हाँ देन द मिनिमम फ्रेम साइज इन बाइट्स टू अचीव अ लिंक यूटिलाइजेशन ऑफ एटलीस्ट फिफ्टी परसेंट तो यहाँ पर जो एफिशिएंसी है प्लीज अंडरस्टैंड जो एफिशिएंसी है वो पहले से बोल रहा है वो हंड्रेड परसेंट नहीं चाहिए फिफ्टी परसेंट चाहिए और वन बाई टू टू पे प्रसाइज और आपसे पूछ रहे बताओ व्हाट शुड बी द साइज ऑफ द पैकेट तो मैं दो तीन बातें आपसे पूछता हूँ पहले समझिए क्योंकि कोई प्रोसेसिंग डिले नहीं है और क्योंकि एक्नोलिजमेंट का कोई ट्रांसमिशन नहीं है तो कैन आई से हियर एफिशेंसी विल बिकम द ट्रांसमिशन टाइम डिवाइडेड बाय ये तो जो हमारा एक्चुअल यूटिलाइजेशन है डिवाइडेड बाय ट्रांसमिशन टाइम प्लस टू इन टू प्रोपोगेशन टाइम ये क्वेश्चन बनना चाहिए अच्छा मैं पहले से याद दिला दूं क्योंकि बहुत लोग इसे ऑप्टिमाइज फॉर्म में स्टडी कर रहे होते हैं इन जनरल जब इस तरह का केस होता है तो व्हाट वी डू ऊपर नीचे दोनों तरफ से डिवाइड करते हैं तो इट बिकम्स वन प्लस टू एल्फा ये क्या बन जाता है सर इट बिकम्स वन प्लस टू एल्फा एंड इज दिस एल्फा एल्फा इज सर्टेनली पी बाय टीटी मुझे बताइए इस तरह का फॉर्मूला इस तरह की अंडरस्टैंडिंग आपने ऑब्जर्व की है क्या हाँ के ना ये पहले कभी ना कभी वन बाय वन आपने ऑब्जर्व किया होगा इस पे काम किया होगा यस बहुत अच्छे तो इस पर अब जब काम करेंगे और दोनों कैलकुलेशन करेंगे तो बात समझ आएगी अब यहाँ पर देखिए अगर मैं इसे फर्दर थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करूँ क्या क्या वैल्यू हमारे पास पहले से गिवन है इसको मेरे को यूज़ करना है ना तो मैं इस पर पहले से काम कर लेता हूँ एफिशेंसी इज़ वन बाय टू इज इक्वल्स टू वन प्लस टू एल्फा ना वेन हीयर वी डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो क्या होगा

फोर के बी पी एस सिक्सटी फोर के बी पी एस किलो बिट्स पर सेकेंड तो ये देखिए थ्री से थ्री गया एंड नाउटी फोर इन टू टू इज वन टी एट एंड बिकम टू एक सेकेंड हमने कुछ अच्छा अभी रुक जाइए ये बिट्स में है आंसर किस में चाहिए yeah. देखो आंसर क्लियर कट बोला है बाइट में चाहिए तो प्लीज अलाउ मी टू डिड दिस बाई एट सो ना दैट विल बिकम एट एंड एट इंटू फोर विल बी थर्टी टू विद दिस जीरो सो विल गेट थ्री हंड्रेड एंड ट्वेंटी बाइट्स अब पूरा पैटर्न देखिए ऑब्जर्व करिए मुझे बताइए क्या सेम फ्रेमवर्क सेम आइडिया से यह क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहा है कि नहीं क्या अंडरस्टैंडिंग है हाँ और देखिए समय बिताना पड़ेगा सर काम करना पड़ेगा लेकिन रिजल्ट आएगा और बात आपको समझ भी आने लगेगी प्लीज़ अंडरस्टैंड सर कुछ मजा आ रहा है कि नहीं देखो मजा आए तो फिर कुछ बात है फ्रेमवर्क हमारे पास है थोड़ा सा आपको यहाँ पे इनिशिएट करना पड़ेगा काम करना पड़ेगा तो बात समझ आएगी एक और ट्राई कर लें वो क्या बोलते हो शुड वी ट्राई वन मोर क्वेश्चन सर हाँ एक और ट्राई करके देखते हैं ये लीजिए ट्राई करिए और ये सब मैं जानबूझ के आपको रिसेंट ईयर क्वेश्चन ट्राई करा रहा हूं थैंक यू सो मच उत्सव ये सर आप लोग का बस साथ है वैसे मुझे पता नहीं इसका क्या मतलब है चलिए ढकोल खोल दिए वट डज दैट मीन लेट इट बी चलिए मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ स्टॉप वॉच आई एक्सपेक्ट कि मेरा स्टूडेंट चार से पाँच मिनट के अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व करे इट्स अ टू मार्क क्वेश्चन टेक योर टाइम आई एम नॉट गोइंग टू डिस्टर्ब यू इन बिटवीन इसके ऊपर काम करो पूरा पैटर्न देखो बताओ कैसे सॉल्व होगा मिनट्स आर ऑलरेडी गॉन कुछ आंसर आ रहा है बताइए ओके वेरी गुड शिवानी जयसवाल इज से ट्वेल्व ओके यूनिट था मिली सेकेंड में चलिए विल गो एन एंड विल इन्वेस्टिगेट हेलो लक्ष्मी हेलो अर्जुन आप लोग थोड़ा अच्छे से पार्टिसिपेट करेंगे मेरा टारगेट है कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करूँ आज की क्लास में अभी तो जस्ट मैं फ्लो कंट्रोल पे काम कर रहा हूँ वेरी गुड सर वेरी गुड सो फोर मिनट्स का टाइम हमने लिया चलिए अभी एक एक करके वन बाय वन सर वैल्यू के साथ इन्वेस्टिगेट करते हैं सॉल्व करते हैं फिर जो भी डाउट कन्फ्यूजन होगा आप मुझे बताएंगे यस अ लिंक हैज अ ट्रांसमिशन स्पीड ऑफ टेन डेज टू पावर सिक्स बिट्स पर सेकेंड तो अगर मैं बोलूँ आम भाषा में साधारण भाषा में इसने मुझे किसके बारे में बता दिया सर बैंडविड्थ के बारे में नाउ इट डेटा पैकेट ऑफ़ बाइट तो यहाँ पर जो लेंथ ऑफ द पैकेट है दैट टर्न आउट टू बी वन थाउजेंड एज्यूम दैट नॉलेजमेंट हैज नेग्लिजिबल ट्रांसमिशन डिले एंड दैट इट्स प्रोपोगेशन डिले सेम एज ऑफ द प्रोपोगेशन डिले दैट्स ओके okay. वैसे ही इसने ये भी बोलता आप मुझे बताओ इसमें इसने कोई नई बात बता दी क्या नहीं अगर ये नई भी बोलता तो भी हमें पता था कि एक्नोलिजमेंट का अच्छा ये तो खैर इसने बोला कि ट्रांसमिशन डिले नहीं लेना बट प्रोपोकेशन डिले तो वैसे भी सेम रहता है क्योंकि अगर आपके पास डिस्टेंस और स्पीड है तो यू you नो know, डेटा कितना बड़ा है कितना छोटा है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ऑल्सो जूम दैट प्रोसेसिंग डिले एट द नोट आर नेगेजिबल थैंक यू सो मच फॉर सींगट दी ऑफ स्टॉप एंड एक्टली ट्वेंटी फिक्स कर दिया टू बी वन बाई फोर हा दैल्यू ऑफ वन वे प्रोपोकन डिलेज आई लाइक दिस क्वेश्चन आमतौर पर टीपी की कोई वैल्यू ही नहीं करता यार जिसको देखो टी पी हमेशा गिव इन रहता है इवन कैलकुलेट भी नहीं कराते बट यहाँ पर इसने अच्छा किया कि टीपी पूछ लिया नाउ वेरी गुड ड्रॉपर बाबा इज सिंह टू इज इक्वल्स टू थ्री आई लाइक दैट आइडिया बिकॉज इस बार भी क्योंकि सारे स्टैंडर्ड आइडियाज हैं तो आई कैन यूज दैट लॉजिक डायरेक्टली एंड वाट इज दिस एफिशियंसी इज इक्वल्स टू वन डिवाइड बाय वन बाय टू एल्फा वन बाय टू एल्फा वेर एल्फा इज टी पी बाय टी टी प्लीज़ अंडरस्टैंड एल्फा इज टी पी बाय टी टी Now taking all of this into consideration, now what is this efficiency? Efficiency is one by four, and one divided by one plus two alpha. Now with your permission, can I do this cross multiplication? Yes, that becomes one plus two alpha is equals to four, and as Baba told us, <laughs> that will become alpha is equals to three by two, sir. Now what is alpha? alpha is tp by tt is equals to 3 by 4 with your permission allow me to take one more time cross product so it turned out to be 2 tp is equals to 3 into transmission time so tp is equals to 3 by 2 isn't it नहीं ठीक चल रहा है मामला थ्री बाई टू इंटू ट्रांसमिशन टाइम और अभी एक ही कैलकुलेशन करना चलिए अब कर लेते हैं सो ट्रांसमिशन टाइम इज लेंथ डिवाइड बाई बेंड बाइट्स मल्टीप्लाई बाय एट सो वन थाउजेंड बिट्स डिवाइड बैंडविड्थ बिच इज टेन टू पार सिक्स हाँ सो दिस इज टी टी ऐसे भर देता हूँ इसको सो दिस इज लाइक Uh, ये कितना हुआ सर वन थाउजेंड इंटू एट डिवाइड बाई टेन का पावर सिक्स प्लीज अंडरस्टैंड हाँ टेन का पावर सिक्स अच्छा फर्दर इसमें आप ऑब्जर्व करेंगे तो क्योंकि मिली सेकेंड में पूछा है अलाउ मी टू मल्टीप्लाईड वन मोर टाइम विद टेन टू पार थ्री सो दैट मिली सेकेंड में चला जाए अब ये सिक्स से ये थ्री गया थाउजेंड गया और ये टू से गया एट तो टू इंटू थ्री इंटू फोर यू गेट ट्वेल्व मिली सेकेंड टू तो बी प्रोसाइज बताइए सर ये भी कोई बहुत पुराना नहीं है टू थाउजेंड फिफ्टीन का क्वेश्चन है डायरेक्ट प्रोटोकॉल पे बे बेस्ड है पूरा पैटर्न पूरा आईडिया हमने देखा समझा ऑब्जर्व किया और सॉल्व किया पूरा आइडिया देखो ऑब्जर्व करो बताओ बात समझ आ रही है क्या हाँ सर ड्रॉपर बाबा नाम मेरे को पसंद आया ड्रॉपर बाबा सचिन अर्जुन उत्सव खैर कुछ लोगों ने तो पहले आंसर किया था एंड आई एम आई एम लाइकिंग इट नाउ फेयर एना फेर एना सो यू आर गेटिंग कॉन्फिडेंस और जब क्वेश्चन सॉल्व होता है तो मजा आता है एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन सॉल्व करोगे अगला ये एक पजल टाइप सॉल्व करोगे समथिंग डिफरेंट इनडायरेक्टली पैटर्न पे ही है बट कुछ अलग बताओ कैसा क्वेश्चन ट्राई करोगे एकदम पैटर्न पे करोगे वे यू हैव अ स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल यू पुट द वैल्यू एंड फाइंड इट आउट और या थोड़ा सा अलग थैंक यू सो मच सर मेरा पूरा कंसंट्रेशन है मेरा पूरा कंसंट्रेशन है ऑन द आइडिया ऑन द आइडिया ऑफ एप्लीकेशन जब तक नॉलेज को आप अप्लाई नहीं करेंगे अपने हाथ से समथिंग डिफरेंट चलो फेयर है ट्राई समथिंग डिफरेंट देरी रिसेंट ईयर क्वेश्चन बट ट्रस्ट मी इस पर कुछ डिफरेंट आप सीखोगे जरूर हाँ huh? ये आपकी नॉलेज को कंसोलिडेट करेगा लेट मी स्टार्ट द टाइमर सो देट यू हैव अ ब्रीफ आइडिया जी समझिएगा दो नंबर के क्वेश्चन के लिए पाँच से छह मिनट भी बिना किसी तकलीफ के इन्वेस्ट किए जा सकते हैं सर एग्जाम में अगर दो मिनट का क्वेश्चन है अगर दो नंबर का क्वेश्चन है लेट दैट भी वेरी क्लियर तो उसमें कभी अपने आप को गिल्टी फील नहीं करना है डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग है पूरा पैटर्न देखिए ऑब्जर्व करिए क्या बोलना चाह रहा है किस तरह से बोल रहा है वन ट्वेंटी फाइव बी वेरी गुड कैसे मेरे को जानना है कि मैथमेटिकल बैकग्राउंड क्या कैसे आप लोग बोल रहे हो आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड ये क्वेश्चन कॉमन सेंस पे भी सॉल्व हो सकता है और मैथ्स से भी आपने कैसे किया समझ नहीं आ रहा ओके अर्जुन फेयर इनफ सो आप तो पूरा इंटरप्रिटेशन लगा रहे फॉर्मूला भी कॉमन सेंस से भी हो सकता है ठीक है एक एक करके वन बाय वन पूरा अप्रोच समझते हैं सर आइडिया देखते हैं फिर जो भी डाउट जो भी कंफ्यूजन होगा आप मुझे बताएंगे यस फेयर एनफ सो लेट मी स्टार्ट द आइडिया कई लोगों ने आंसर किया सही आंसर किया एक एक करके देखते हैं ऑन अ वायरलेस लिंक द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पैकेट एर पॉइंट टू एक वायरलेस लिंक है और इन जनरल इसने कोई प्रोटोकॉल का नाम तो लिया नहीं बोल रहा कोई भी पैकेट हम जब भेजते हैं तो गलती होने के चांस यानी कि दस समथिंग रॉन्ग विद पॉइंट टू आसान शब्दों में बोलूं तो दस में से दो बार दस टाइम आप ट्रांसमिट करोगे दो बार कुछ गड़बड़ होगी ओके A stop and wait protocol, now it's saying the name of the protocol. A stop and wait protocol is used to transfer data across the link and the condition. Just give me a second. हाँ सर सो बिट रेट इज़ दिस एंड द आई एम सो सॉरी स्लाइड चेंज हो गया यस ओके सो देखिए क्या बोल रहा है स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल इज यूज टू ट्रांसफर अक्रॉस द लिंक द चैनल कंडीशन इज अज्यूम टू बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम द ट्रांसमिशन टू ट्रांसमिशन वट इज़ द एवरेज नंबर ऑफ ट्रांसमिशन रिक्वायर टू ट्रांसफर वन हंड्रेड पैकेट्स बोल रहा है अगर टोटल वन हंड्रेड पैकेट्स भेजना होगा कितना अटैम्प्ट करना पड़ेगा तो कैसे सोचो आप अगर ओवरऑल मुझे वन हंड्रेड पैकेट भेजना है उसमें से कितना करप्ट हो जाएगा सो आउट ऑफ दैट 100 हंड्रेड में ट्राई करूँगा अगर मैं ट्रांसमिट करता हूँ तो उसमें से मल्टीप्लाई बाय पॉइंट उस प्रॉबिलिटी के हिसाब से ना इसमें लगभग लगभग 20 पैकेट्स तो करप्ट हो जाएंगे तो ये अगर मैंने 100 हंड्रेड का अटैम्प्ट कर भी लिया तो लिटरली जो पहुँचा वो कितना पहुँचा सर वो पहुँचा एट्टी हाँ के ना अब मैं दोबारा से ट्वेंटी रिट्रांसमिट करूंगा बट ये रिट्रांसमिशन में अगेन पॉइंट टू इसमें कितना करप्ट होगा अप्रॉक्सीमेटली फोर पैकेट विल बी करप्टेड सो 80 प्लस सिक्सटीन यानी कि 96 जा चुके हैं फोर करप्टेड हैं मैं फिर से फोर री ट्रांसमिट करूँगा हाँ के ना अब फोर री ट्रांसमिट करूँगा तो इस बार अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो टर्न आउट टू तो बी पॉइंट बट आप ध्यान से देखेंगे तो वन हंड्रेड प्लस फोर अराउंड वन ट्वेंटी फोर ट्रांसमिशंस तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ हाँ के ना अब ये धीरे 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 इसको आगे लेते जाओगे तो यू नो फ्रैक्शन में होते होते मैथमेटिकली वी कैन अंडरस्टैंड ऑब्वियसली इट इज नॉट गोइंग टू बिकम वन फिफ्टी ये तो पक्की बात है वन फिफ्टी बन जाएगा क्या नहीं वन फिफ्टी तो नहीं बनेगा ना सर सो हंड्रेड परसेंट इट विल बिकम समथिंग अराउंड ऑप्शन बी यानी कि वन ट्वेंटी फाइव जहाँ तक मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन की बात है उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, है ना अगर मैथमेटिकली इसको ऑब्जर्व किया जाए जैसे कुछ लोग बोल रहे थे बट मेरे को पता नहीं क्यों अच्छा लगता है इसको डायरेक्टली देख लिया जाए ना पहली बार आप कितना भेजेंगे पहली बार हंड्रेड भेजेंगे अब क्योंकि इसमें करप्शन हुआ है कितना ट्वेंटी परसेंट तो अगली बार आप हंड्रेड इंटू पॉइंट टू भेजेंगे क्योंकि फिर इसमें करप्शन हुआ है इतने में तो अगली बार हंड्रेड इंटू पॉइंट टू का स्क्वायर भेजेंगे हाँ एंड दिस इज नथिंग बट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और जोमेटिक प्रोग्रेशन दिस इज जीपी सर दिस इज जीपी उसके अगली बार एक और लिख लेते हैं तो क्या होगा 100 इन पॉइंट टू का क्यूब भेजेंगे ये कहानी चलती जाएगी इसी तरह से है ना तो अगर मैं इसको ऐसा कॉमन निकाल लूँ 100 कॉमन निकाल लूँ यहाँ से तो इट इज़ वन प्लस का स्क्वायर प्लस पॉइंट प्लस पॉइंट टू का स्क्वायर एंड देन प्लस पॉइंट टू का क्यूब एंड सोन एंड सो फॉर ये कहानी चलती जाएगी सो दिस विल टर्न आउट टू बी अगर सम ऑफ जीपी जो भी uh, आपका रेट है तो दैट इज़ वन माइनस पॉइंट पी सो हंड्रेड डिवाइड बाय वन माइनस पॉइंट टू और हंड्रेड बाय पॉइंट एट एंड विल टर्न आउट टू बी वन सो मैथमेटिकली हाँ यू कैन कम अपू दैट वैल्यू विद हंड्रेड एक्यूरेसी बाकी अंदाज़ा लगाओगे तो भी यू कैन से कि हाँ ये लगभग लगभग 125 ही बैठेगा मेरी बात देखिए पूरा पैटर्न ऑब्जर्व कर पा रहे हैं क्या अंदाजा लगाओगे तो बिल अंडरस्टैंड इट विल कम समथिंग अराउंड 125 ट्वेंटी फाइव ओनली अभी बताइए पूरा पैटर्न क्लियर है क्या किसी को कोई डाउट कंफ्यूजन है तो बोलिए पक्की बात बहुत अच्छे हेलो देविका लेट मी टेक यू बैक टू वन मोर क्वेश्चन एंड लेट मी प्रॉमिस कि इसके बाद एक और रिसेंट क्वेश्चन कराऊंगा या इसके बाद आपको लेके चलूंगा एक नए आइडिया की तरफ एक नई चीज सिखाऊंगा तब जल्दी से ये क्वेश्चन ट्राई करो थोड़ा पुराना है बट एकदम पैटर्न पे गेट टू थाउजेंड फाइव से टू मार्क क्वेश्चन सर पूरा आइडिया देखना ये क्या बोल रहा है किस तरह से बोल रहा है कैसे इसको टैकल करोगे लेट मी अगेन गिव यू अर टाइमर इट्स अ गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आई थिंक जितना भी इम्पोर्टेंट डेटा मोस्ट ऑफ द डेटा इज गिवन, देखिए ज़रा कितना समय आपको लगना चाहिए जैसे ही सॉल्व करें जल्दी से कमेंट करके बताना एटी वेरी गुड बाकी लोग ऑब्जर्व करिए सर हेलो रजनी हेलो वंदिता हेलो राम गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग टेक योर टाइम वैल्यू पुट करना है आंसर निकालना है Excuse me. सर हाँ सब लोग ऑब्जर्व कर पा रहे हैं क्या आई थिंक दर्ज अ कंफ्यूजन बिटवीन वन सिक्सटी एंड एट्टी नो कुछ लोग बोल रहे हैं वन सिक्सटी कुछ लोग बोल रहे हैं एट्टी तो फिर सही क्या है क्या मानू मैं चलिए ठीक है एक एक करके अभी स्टार्ट करता हूं और अगेन फिर जो डाउट जो कन्फ्यूजन होगा आप मुझे बताएंगे ओके सो सेज अ चैनल हैज अ बिट रेट ऑफ फोर केबी पर सेकेंड सो द बैंडविड्थ ऑफ द चैनल इज फोर किलोबिट्स बिट्स पर सेकेंड एंड अ वन वे प्रोपोगेशन डिले Is 20 milliseconds. So what is one way propagation delay TP? Is 20 milliseconds. The channel use stop and wait protocol. The transmission time of acknowledgement, the frame is negligible. Okay. Sari the straightforward. There's nothing new. To get an efficiency of at least 50%. Now that is interesting. Efficiency 50%. So that is like 1 by 2. The minimum frame size should be. फ्रेम का मिनिमम साइज क्या होना चाहिए लाइक ऑप्शन ए बी सी डी एटी बाइट एट्टी बेट्टी बाइट और वन सिक्सटी बेट्स ये दिस इज़ एन आइडिया तो कुछ अलग से बोला नहीं है आई थिंक जो स्टैंडर्ड फार्मूला हम लगाते हैं मुझे बताइए हेल्प करिए एफिशिएंसी इज व्हाट इट इज़ वन डिवाइड बाय वन प्लस टू एल्फा एंड एफिशिएंसी आपने मुझे बता दिया वन बाई टू एंड दिस इज़ लाइक अगेन टीपी मेरे पास है टू एल्फा लेट मी डू द क्रॉस मल्टीप्लाई So this is 1 plus 2 alpha is equals to 2 and 2 alpha is equals to 1 and alpha is equals to 1 by 2. Isn't it? And again what is alpha? It is tp by tt is equals to 1 by 2. So now when you do the cross multiply so tt is equals to 2 tp. We will direct observation at tt is length by bandwidth and this is 2 into 20 into 10 raised to the power minus 3. और बैंडविट के साथ ऑब्जर्व करूंगा सो टू इंटू ट्वेंटी इंटू टेन की पार माइनस थ्री इंटू बैंडविट विच इज फोर केबी पी एस सो फोर इंटू टेन का पावर माइन सॉरी केबीपीएस फोर इंटू टेन टू पार थ्री यस अब ये जो कैलकुलेशन है सर ये टाइम तो ठीक है टू ये है बिट्स में ना ये फ़िलहाल बिट्स में है बाद में किससे मैच होता है वो ऑब्जर्व कर लूँगा फिलहाल ये बिट्स में क्योंकि बैंडविड्थ बिट्स में थी सो so, ये माइनस थ्री से माइनस थ्री गया फोर इंटू फोर टू इंटू टू इज़ फोर एंड इंटू फोर इज़ वन सिक्सटी सो आंसर इज वन सिक्सटी बिट्स नॉट बाइट्स तो क्योंकि डायरेक्ट एक ऑप्शन डी मेरे पास है तो मुझे बताइए और कुछ वैल्यू रखने की या करने की ज़रूरत है क्या प्लीज अंडरस्टैंड क्योंकि डायरेक्टली एक वैल्यू मेरे पास है थैंक यू सो मच दिव्या ग्रेट उठ सब ग्रेट थैंक यू सर तो ये बात अभी बताइए सर ये आप सभी का प्यार ही है इतना अफेक्शन है मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतना सपोर्ट आप लोग करेंगे ये सब प्यारी है जिस वजह से सब आज पॉसिबल हो पा रहा है और मैं और मेरी पूरी टीम लगी रहती है कि आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा वेल्युबल कंटेंट लाते रहे हाँ ये बताइए अभी फॉलो कर पा रहे हैं डिस्ट क्वेश्चन ओके एक ये क्वेश्चन चलो ठीक है अब मैं अब मैं एक अलग आर्गुमेंट आपसे करता हूँ मी डू द डिफरेंट आर्गुमेंट डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि ये जो कहानी है पूरा स्टॉप एंड वेट की ना स्टॉप एंड वेट थोड़ा सा वट शुड आई से थोड़ा सा इनएफिशेंट आइडिया है बताओ क्यों क्योंकि कोई भी प्रोटोकॉल आप देखो क्या कर रहा है यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग क्या हो रही है आप एक पैकेट भेज के बैठे हुए हैं बताओ हाँ के ना आप एक पैकेट भेज के बैठे हुए हैं सर कि उसका एक्नोलेजमेंट आ जाएगा टेक्निकली क्या होना चाहिए इससे काफ़ी हद तक हमारी जो बैंडविड्थ है वो अनयूज रह जाती है एफिशिएंसी पुअर हो रही है तो मुझे बताओ एक लॉजिक ऐसा हो सकता है क्या कि आफ्टर सेंडिंग अ पैकेट अ फ्रेम नाउ एज अ सेंडर इंस्टेंट की मैं वेट करूं बाकी उस पैकेट के एक्नोलिजमेंट के लिए मैं और फर्दर ट्रांसमिशन कंटिन्यू करूँ आइडिया तो सॉलिड है सर ट्राई किया जा सकता है बजाय वेट करने के हम फर्दर ट्रांसमिशन करते जाएं हाँ अभी कितने ट्रांसमिशन करते जाएंगे ये भी एक प्रॉब्लम है तो एक बात समझिएगा अभी तक मैंने कभी इस पर कोई लंबी बहस नहीं की पैकेट नंबर क्योंकि दो ही पैकेट हैं तो अल्टरनेट जीरो वन से हमारा काम चलता जाता है हम मानते पहला पैकेट जीरो है अगला पैकेट वन है जब तक वन आता है फिर ज़ीरो वन जीरो वन करते जाते हैं बट क्योंकि इस बार में हाँ हम एक से ज़्यादा पैकेट भेजेंगे विदाउट हैविंग एन एनॉलेजमेंट तो क्या उसकी वजह से क्या उसकी वजह से मुझे बताइए हमें पैकेट्स का नंबर बड़ा रखना पड़ेगा हाँ। उसके वजह से हमें पैकेट्स का नंबर बड़ा करना पड़ेगा और वो तो ऑब्वियसली डिपेंड करेगा कितने पैकेट भेजने हैं तो यहाँ पर एक आइडिया है आइडिया ये है फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर मैं फोर बिट्स यूज करता हूँ आमतौर पे हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं इस आइडिया को है ना अगर मैं फोर बिट्स यूज करता हूँ इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट अ पैकेट क्या रिप्रेजेंट करने के लिए बोलिए पैकेट को रिप्रेजेंट करने के लिए तो एज वी नो दैट यूजिंग बिट्स हाउ मेनी डिफरेंट कॉम्बिनेशन वी कैन जनरेट सर सो यूजिंग फोर बिट्स वी कैन जनरेट टू रेस टू पार फोर यानी किम्बिनेशन अब इसमें हम करते ये हैं आउट ऑफ दोन कॉम्बिनेशन हाँ सर इसमें हम करते ये हैं कि आउट ऑफ दो सिक्सटीन कॉम्बिनेशन फिफ्टीन कॉम्बिनेशन हम देते हैं सेंडर को और एक कॉम्बिनेशन देते हैं हम रिसीवर को यानी कि सेंडर अगर चाहे तो मैं एक एग्ज़ाम्पल कोट कर रहा हूँ अगर मैं चार बिट का सिक्वेंस हम बढ़ लूँ तो सेंडर अगर चाहे तो एक के बाद एक एक के बाद एक एक के बाद एक के क, इस तरह से कितना ट्रांसमिशन कर सकता है बताइए इस तरह से कितना 15 पैकेट्स भेज सकता है तो सेंडर कैन ट्रांसमिट अप टू 15 पैकेट्स विदाउट वेटिंग एन एक्नोलेजमेंट हाँ के ना यस सो विदाउट हैविंग एन एक्नोलेजमेंट वेट्स ऑब्वियसली करेगा विदाउट हैविंग एन हैविंग एन एक्नोलेजमेंट तो उसके बाद कैसे काम आगे बढ़ता है किस तरह से आगे बढ़ता है है ना वो एफिशिएंसी कैसे बढ़ती है और क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो मैं अगेन बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल बैकग्राउंड में आपको लेके नहीं जा रहा जहाँ जहाँ जो जो ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको बताऊंगा फिलहाल इस क्वेश्चन से शुरू करेंगे सर ट्राई दिस वन दिस इज गेट टू गेट टू अ टू मार्क क्वेश्चन सर इसको जरा देखिए इसको ऑब्जर्व करिए और मुझे बताइए कैसे मैनेज करेंगे This is Gate 2015 two mark question. Let me again start the idea. तो मेरे चार पाँच सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं क्या मैं अभी से टॉप हंड्रेड में आ सकता हूँ गलत क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मतलब अच्छा है वैसे क्या बोलूँ मैं क्या आप टॉप हंड्रेड वाली मेहनत कर सकते हैं देखो रैंक इज अ बाई प्रोडक्ट सर रैंक खुद में खुद आ जाएगी डोंट वरी फॉर रैंक क्या इंडिया में टॉप हंड्रेड स्टूडेंट जो होंगे ऑब्वियसली जो रैंक क्रैक करेंग करेंगे सर क्या वो सब्जेक्ट जिस लेवल पे प्रिपेयर कर रहे होंगे आपका प्रिपेयर हो गया कि आपने खूब सारे टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगा लिए दैट शुड बी द क्वेश्चन है ना तो आप मेहनत करिए रैंक ऑटोमेटिक रैंक जानी है बताइए रैंक आ जाएगी रैंक भी आ जाएगी सक्सेस भी आ जाएगी आप सिर्फ एफर्ट पर ध्यान दो डोंट वरी सर ये क्वेश्चन देखिए जरा मुझे बताइए क्या अंडरस्टैंडिंग है इट्स अ गेट 2015 टू मार्क क्वेश्चन पूरा पैटर्न देखना है एनालाइज करना है तब आंसर करेंगे और इस बार गो बैक एंड पे क्वेश्चन है जो भी सॉल्व करे जो भी आपका आंसर आ रहा हो बताना बाद में फिर इन्वेस्टिगेट करेंगे डोंट वरी ट्राई करें क्या चलिए सर एक एक करके ट्राई करते हैं वन बाय वन इन्वेस्टिगेट करते हैं फिर जो डाउट जो कंफ्यूजन होगा आप मुझे बताएंगे देखिए कंसिडर ए नेटवर्क कनेक्टिंग टू सिस्टम्स लोकेटेड एट थाउजेंड किलोमीटर्स अपार्ट तो प्लीज़ अंडरस्टैंड दो सिस्टम है एक का नाम रख देता हूँ एस वन एक का नाम रख देता हूँ कार्ड ऑफ एस टू और जैसा बोल रहा है दोनों का जो डिस्टेंस है सर दैट इज़ एट थाउजेंड किलोमीटर्स तो दोनों एक दूसरे से एट थाउजेंड किलोमीटर्स अपार्ट है मेरे को लग रहा है टी पी कैलकुलेट कराएगा कोई दिक्कत नहीं आगे देखिए द बैंडविट ऑफ द नेटवर्क लेट मी राइट इट डाउन ना सो डिस्टेंस जैसा इसने मैंशन किया दिस इज एट थाउजेंड किलोमीटर्स द बैंडविट ऑफ द नेटवर्क इज फाइव हंड्रेड इंटू टेन डेज टू पावर सिक्स बिट्स पर सेकेंड तो ओवरऑल जो नेटवर्क का बैंडविट था दैट इज अराउंड फाइव हंड्रेड एम बी पी एस द प्रोपेशन डिले ऑफ द मीडिया इज फोर इंटू टेन डेज टू पार सिक्स मीटर पर सेकेंड बेसिकली दिस इज नथिंग बट स्पीड उसको भी देखो किस तरह से लिख रहा बच्चा कंफ्यूज हो जाए सो दिस इज फोर इन टू टेन डेज टू पार्स मीटर पर सेकेंड ये हमारा स्पीड हो गया इट इज नीडेड टू डिजाइन अ गो बैक एंड स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल फॉर दिस नेटवर्क द एवरेज पैकेट साइज लेंथ भी बता दिया पर तो पक्का एफिशिएंसी की तरफ जाएगा क्या लेंथ इज टेन डेज टू पार सेवन बिट्स नाउ क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन है द नेटवर्क टू बी यूज टू इट्स फुल कैपेसिटी अब अगर नेटवर्क फुल कैपेसिटी पे यूज करना है तो एफिशिएंसी एफिशिएंसी कितनी हुई efficiency हुई बोलिए दैट द प्रोसेसिंग द नोड्स आर नेग्लेजिबल मिनिमम साइज इन बेट ऑफ द सीक्वेंस नंबर फिल्ड टू बी मिनिमम साइज क्या होगा सीक्वेंस नंबर कितने चाहिए ये बेसिकली क्वेश्चन हुआ तो उसको कैसे सॉल्व करें के करके मैं आपको दोबारा पूरा यू नो पुराने you know, पैटर्न पे पहले लेके चलता हूँ तब बात समझ आएगी एफिशिएंसी का फॉर्मूला स्टॉप एंड वेट तक क्या पढ़ा था हमने एफिशिएंसी वाज वन डिवाइडेड बाय वन प्लस टू एल्फा यही था ना एफिशिएंसी इज वन डिवाइडेड बाय वन प्लस टू एल्फा दैट वाज एफिशिएंसी बट ये पूरा गेम कब तक ट्रू था सर जब तक हम एक बार में एक बार में एक पैकेट भेज रहे थे है ना? तो अगेन बिफोर डायरेक्टली जंपिंग इन डो दिस अगर मैं आपको याद दिलाऊं अब दरअसल एफिशिएंसी होगी, ट्रांसमिशन टाइम, बट नॉट ओनली ऑफ वन पैकेट लेट मी मल्टीप्लाई दिस बाय फॉर एग्जांपल एम और एक्स कितने पैकेट आपने भेजे एन लिख देता हूं बल्कि ना दैट इज अ मोर जेनरिक वेरिएबल आमतौर पर हम यूज करते हैं सो so, इसको मैं लिख देता हूँ एन तो ये होगा एन इंटू दिस डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय आगे क्या करेंगे सर आगे क्या करेंगे वन प्लस टू एल्फा और सॉरी डिवाइडेड बाय ट्रांसमिशन टाइम प्लस टू इंटू प्रोपगेशन टाइम वो सेम रहेगा देखो आने जाने का समय तो सेम है ना मेरे पास बस एडवांटेज ये है अब मैं सिर्फ एक नहीं भेज रहा सर मैं एक के बाद एक एक के बाद एक बहुत सारे पैकेट भेज रहा हूं ये बात फॉलो कर पा रहे हैं क्या नॉट टेकिंग दिस इन टू अकाउंट अब जब मैं दोबारा डिवाइड करता हूं तो मैं बस वापस आपका दिला रहा था ऊपर एंड रह जाएगा और नीचे दिस विल रिमेन एज सेम दैट इज वन प्लस टूएल्फ और नीचे सेम रहेगा ऊपर एंड रह जाएगा इस केस में एफिशिएंसी आपने मुझे वन बताई है

दोनों चीज़ शायद कैलकुलेट करनी पड़ेंगी ना अल्फा इज टी पी बाई टी टी ऐसे ही करता है ना नो हेयर वॉट इज टी पी ना टी पी इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड डिस्टेंस कितना है बोलिए डिस्टेंस है एट थाउजेंड किलोमीटर्स यानी कि एट थाउजेंड इंटू टेन डेज टू पार थ्री मीटर डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ द सिग्नल विच इज़ फोर इंटू टेन डेज टू पार सिक्स सो ये आप देख सकते हैं इट विल गेट कैंसल्ड आउट एंड यू गेट बेसिकली टू सेकंड्स, नॉट मिली सेकेंड टू सेकेंड्स फेयर एनअ एंड वॉट इज ट्रांसमिशन डिले इट इज लेंथ डिवाइड बाई बैंडविड. तो लेंथ कितना है बोलिए लेंथ है टेन रिज टू पावर सेवन डिवाइड बाई बज फोर 4 टेन रेज टू पावर सॉरी बायविट विच इज फाइव हंड्रेड इंटू टेन का पावर सिक्स दिस इज द बैंडविट तो so, इधर से टेन बचेगा ये तो सर बहुत छोटा रह जाएगा इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बिकॉज दिस इज़ लाइक वन बाई फिफ्टी सो दिस इज़ लाइक पॉइंट टू इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ वन थाउजेंड से सो दैट फाइव से फाइव जाए एंड इट विल बिकम ट्वेंटी मिली सेकेंड एंड दिस विल बिकम टू थाउजेंड मिली सेकेंड अभी ठीक है दिस इज़ ट्वेंटी दिस इज़ टू थाउजेंड तो अब आप मुझे बताइए इधर आई एम सॉरी ये कैलकुलेशन मेरे ख्याल सर के पीछे आ गई कोई बात नहीं ना वट इज़ अल्फ़ा अल्फ़ा इज़ ट्वेंटी टू थाउजेंड मिली सेकेंड डिवाइड बाई ट्वेंटी मिली सेकेंड विल गेट कैंसल्ड सो बेसिकली एल्फा बिकम वन हंड्रेड देखिए चलिए बात ऑब्जर्व कर पा रहे हैं क्या एल्फा बिकम वन हंड्रेड एंड नाउ वेन आई पुट इट हीयर दैट विल बिकम वन प्लस टू इन टू वन हंड्रेड बेसिकली सेंडर विंडो साइज बिकम टू हंड्रेड वन अच्छा मैंने आपको क्या दिलाया था जितने भी ओवरऑल कॉम्बिनेशन है है ना जितने भी ओवरऑल कॉम्बिनेशन है उसके अंदर एक विंडो के पास जाता है रिसीवर के पास तो टोटल कॉम्बिनेशन मुझे कितने चाहिए टोटल चाहिए टू हंड्रेड टू अब आप मुझे बताइए इन ऑर्डर टू जनरेट टू हंड्रेड टू डिफरेंट कॉम्बिनेशन कितना बेड चाहिए सर उत्सव बोल रहा है सेवन बेड उत्सव इन सेवन बेड टू रेस्ट टू पार सेवन इज ओनली वन सर उसमें सिर्फ वन होगा अगर वन एफिशिएंसी चाहिए हंड्रेड परसेंट एफिशियसी चाहिए तो बोल रहा है इसको टू हंड्रेड वन एंड टू हंड्रेड टू कॉम्बिनेशन चाहिए आई थिंक इस पर अगर आप पूरा सोच के भी करेंगे ना लॉग बेस टू एंड यूल डू अपर बाउंड बाउंडल गेट सेवन पॉइंट समथिंग समथिंग सो आई थिंक इट मस्ट बी एट एट बिट का सिक्वेंस नंबर होगा तब जाके हम इतने कॉम्बिनेशन जनरेट कर पाएंगे कि सिस्टम को हम हंड्रेड परसेंट एफिशियंसी पर चला पाएं देखिये ध्यान से इसकी पूरी बात सुनिए और मुझे बताइए अभी ये समझ आ रही है क्या वी गेटिंग दिस आइडिया सर तब जाके सफिशियंसी पर चला पाएंगे कि ये पूरा काम हम सेटल कर लें सो टेकिंग ले इंटू कंसिडरेशन विदाउट अ डाउट करेक्ट आंसर होता है एड एंड दैट इज नथिंग बट स्लाइडिंग विंडो लाइक गो बैक एंड यही है कहानी गो बैक एंड नहीं कोई दिक्कत नहीं काम करोगे ऑब्जर्व करोगे गलती करोगे तब कुछ सही करोगे हाँ तो पूरा पैटर्न देखिए सर कोशिश है कि डेटा लिंक क्लियर पे एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पाए कि कोई डाउट कोई कंफ्यूजन ना रहे और करने की विद्या करने से होगा आप देख रहे जब कर रहे हैं तो चीजें सॉल्व भी हो रही हैं सर और समझ भी आ रही हैं क्लियर है भी बताइए किसी को कोई डाउट कोई कंफ्यूजन ठीक है तो अगर पहला ये तो हमारा पहला क्वेश्चन था ना एक और ट्राई किया जाए एक और ट्राई करता हूँ और पहले से बता रहा हूँ उसमें थोड़ा सा ट्रिक है ज़्यादातर बच्चे इस क्वेश्चन को सही करते हैं कि गलत करते हैं गलत करते हैं सर सो यू ट्राई इट आउट बाई योर सेल्फ इट्स गेट टू थाउजेंड एट क्वेश्चन थोड़ा पुराना है बट एकदम कॉन्टेक्स पे है सो इट्स गेट टू थाउजेंड एट क्वेश्चन फॉर टू मार्क्स ध्यान से बहुत अच्छा नाम है शिक्षित शिक्षित जी ध्यान से पूरा पैटर्न देखिए सर एनालाइज करिए और मुझे बताइए कैसे हैंडल करेंगे इट इज़ गेट टू थाउजेंड एट टू मार्क क्वेश्चन वेरी गुड गिव मी वन मिनट आप ट्राई करो सर बताइए पूरा गेम पूरा अंडरस्टैंडिंग पूरा आइडिया ऑब्जर्व कर पा रहे हैं क्या इसमें एक छोटा सा ट्रिक इसने खेला है जो मैं आप सब लोग को बार बार बोल रहा हूँ वो ट्रिक का आपको ध्यान रखना पड़ेगा सर कुछ सेटल हो रहा है क्या बताइए चलिए ठीक है टू ग्राउंड स्टेशन है तो डिले कैसे चलेगा एक एक करके देखो ऑब्जर्व करते हैं अभी इसने बोला वन एम बी पी एस सेटेलाइट लिंक कनेक्ट टू ग्राउंड स्टेशन तो यहाँ पर हमारे पास एक सेटेलाइट है करके कुछ भी अपन इमेजिन कर लेते हैं और दो स्टेश को वो कनेक्ट कर रही है लेट मी से वन इज स्टेशन नंबर वन एंड लेट मी से अनदर वन इज स्टेशन नंबर टू अब वन एम बी पी एस वन एम बी पी एस तो बैंडविट मेरे पास है सर बैंडविट इज वन एम बी पी एस ओके दल्टीट्यूड ऑफ द सेटेलाइट इज थर्टी सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड फोर किलोमीटर तो ये अल्टीट्यूड बता रहा है कि कितने डिस्टेंस पे है इट इज थर्टी सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड फोर किलोमीटर एंड द स्पीड ऑफ द सिग्नल इज थ्री इन टू ट्रेस टू पर एट मीटर पर सेकेंड यानी आने जाने का जो स्पीड है वट शुड बी द पैकेट साइज ऑफ द चैनल यूटिलाइजेशन ऑफ ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ अटेलाइट लिंग यूजिंग गो बैक गो बैक वन ट्वेंटी सेवन स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल तो यहाँ पर बहुत सारा डेटा इसने बता दिया efficiency आपको बता दिया ट्वेंटी फाइव परसेंट गो बैक वन ट्वेंटी सेवन आइडिया है और आपसे पूछ रहा है पैकेट का साइज क्या होना चाहिए इसमें एक ट्रिक क्या है जिसका बस आपको ध्यान रखना है वट इज एफिशियंसी सर एफिशियसी इज अगेन जो भी हमने समझा है इट इज़ सेंडर विंडो साइज डिवाइड बाई वन प्लस टू एल्फा न इन दिस केस एफिशियंसी इज़ ऑलरेडी गिवन एज लाइक वन बाय फोर एंड सेंडर विंडो साइज इज गिवेन एज वन ट्वेंटी सेवन वन प्लस टू अल्फ़ा यू कैन ऑब्वियसली डू द क्रॉस मल्टीप्लाई सो दिस इज वन प्लस टू एल्फ़ा एंड वन ट्वेंटी सेवन इंटू फोर ये करा रहा है सो सिली मिस्टेक से बचना है कैलकुलेटर यूज़ करना यू विल गेट फाइव हंड्रेड एट सो दिस इज़ लाइक फाइव हंड्रेड एंड एट सो टू अल्फा ये माइनस हो जाएगा दिस इज़ लाइक फाइव हंड्रेड सेवन सो अल्फा इज़ फाइव हंड्रेड सेवन बाई टू वाट इज़ अल्फा ऑलरेडी हमें पता है अल्फा इज टी पी बाय टी टी यस सो लेट मी राइट इट डाउन एल्फ़ा इज टी पी बाय टी टी ज इक्वल टू फाइव हंड्रेड सेवन बाई टू पूछा हमसे लेंथ ही है तो उसी तरह से इसको लिखना होगा सो आई मस्ट राइट टी टी इज इक्वल टू टू इन टू टी पी डिवाइडेड बाय फाइव हंड्रेड सेवन ये दिस इज आइडिया सर एंड वॉट इज टी 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 इज लेंथ डिवाइड बाई बो टू इन टू टीपी डिवाइड बाई फाइव हंड्रेड सेवन और लेंथ टू बी प्रोसाइज इस देखिए जब आप टी पी कैलकुलेट करेंगे ना बस गेम ये है सर इस बार जो डिस्टेंस होगा प्रोपोगेशन का यू विल टेक दैट वन टू थर्टी सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड फोर और यू विल मल्टीप्लाई इट विथ टू ऑल्सो इसको दो से मल्टीप्लाई करना है क्यों करना है बोलो सर इसलिए करना है वो सेटेलाइट वाली बात है ना ये ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा इसको दो से मल्टीप्लाई करना है एंड डिवाइडेड बाय द स्पीड ऑफ द सिग्नल जो कि बताया गया थ्री इंटू टेन टू पार एट तो मैं काम करता हूँ ना इधर ही लिख लेता हूँ सो टू इंटू टी पी की जगह थ्री सिक्स फाइव फोर ज़ीरो फाइव फोर इंटू टू डिवाइड बाई फाइव हंड्रेड सेवन तो पहले से था इन टेन टू पार एट और आ गया और ये टी पी है और आई थिंक uh, इसको भी सेकंड में ही रहने देता हूँ कोई दिक्कत नहीं है दिस इज इन सेकंड और अगली चीज मल्टीप्लाई होनी है बैंडविड्थ बैंडविड्थ कितना था वन एम सो बेसिकली वन इंटू टेन रेज टू पावर सिक्स वन इंटू टेन रेज टू पावर सिक्स ये बिट्स में हो गया आंसर बाइट्स में चाहिए सो यू मस्ट डिवाइडेड बाई एट हे भगवान इतना सारा कैलकुलेशन आप कर लो और बाद में आंसर अगर सही मैच ना हो तो बड़ी टेंशन है है ना बट मैं जो बड़े ज़ीरोज़ हैं वो तो डायरेक्ट कैंसिल कर देता हूँ सो दिस इज़ एट एंड दिस इज सिक्स सो बेसिकली इधर बचा हंड्रेड और बाकी अगर कैंसिल करना शुरू करें अच्छा ये भी डायरेक्ट कर सकते हैं दिस इज़ टू एंड टू सो दे यू गेट ओनली टू है ना सो बचा हुआ अगर मैं ट्राई करूँ तो इट इज़ थ्री सिक्स फाइव ज़ीरो फोर इन्होंने वैल्यू भी, भी सोच साझ के बहुत सोच समझ के लिखी होगी थ्री सिक्स फाइव जीरोक्टली आई थिंक वन ट्वेंटी एक बार देखिए बाकी लोग कैलकुलेट करके पूरा पैटर्न सोल्व सॉरी आई एम सॉरी यस पूरा पैटर्न ऑब्जर्व कर पा रहे हैं क्या सो यू विल गेट वन टवेंटी सो एक ट्रिक बस यही था इस पूरे क्वेश्चन में बाकी तो पूरा फ्लो आपको समझना था ट्रिक क्या था सर कि यहां पर बिकॉज ऑफ दिस सेटेलाइट वाला थिंग डिस्टेंस एक बार लेना था कि दो बार लेना था हेलो सो हम डिस्टेंस दो बार लेना था वो आप करेंगे बाकी एवरी थिंग विल बी इन सिंक सर एक और क्वेश्चन ट्राई करें लेट्स ट्राई वन मोर क्वेश्चन ये देखिए ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है अगेन अ वेरी बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन इससे भी आप बहुत कुछ सीखेंगे अ वेरी बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन और ये थोड़ा पजल टाइप है आई लाइक दिस क्वेश्चन देखिए ये आप क्लियर हो जाए आपका तो फिर मैं आपको लेके चलूंगा टुवर्ड्स द आइडिया ऑफ व्हाट टूवर्ड्स द आइडिया ऑफ सेलेक्टिव रिपीट ये देखिए कभी कभी होता है कि हम थ्योरेटिकली बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं न्यूमेरिकल में उस लेवल की अंडरस्टैंडिंग एक्चुअली चाहिए ही नहीं होती तो तब अपने हिसाब से जरा इसको री इन्वेस्टिगेट करिए पूरा प्रोसेस देखिए और मुझे बताइए इसको कैसे मैनेज करेंगे बाबा बोल रहे एबीसी बाबा व्हाट डू यू मीन ट्राई करो मी वन मिनट 16 दैट्स ग्रेट ये मेरे लिए सरप्राइज है बिकॉज़ होता ही है टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत सारे बच्चों को स्लाइडिंग विंडो में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है यस yes. और विंडो किस तरह से स्लाइड होगी किस तरह से गेम आगे बढ़ेगा उस वजह से आम तौर पे क्वेश्चन आंसर करने में बड़ी तकलीफ होती है देखिए सर इसको ऑब्जर्व करिए और बताइए कैसे मैनेज करेंगे ठीक है मैं ट्राई कर रहा हूँ और अगर कोई भी मिसकंसेप्शन होगा कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे बताएंगे वन बाय वन यस सो लेट मी स्टार्ट विद दिस आइडिया क्या बोल बोल है गौर करिए स्टेशन कैपिटल ए नीड टू सेंड अ मैसेज कंसिस्टिंग ऑफ नाइन पैकेट टू अ स्टेशन बी यूजिंग अ स्लाइडिंग विंडो एंड अ गो बैक एन एरर स्ट्रेटेजी तो कोई स्टेशन है जिसका नाम है ऑब्बियसली कैपिटल ए और उसको नाइन पैकेट्स भेजने हैं है, है ना और जो विंडो साइज है सेंडर विंडो साइज है वो है थ्री गो बैक एन आइडिया यूज करना है बट प्रॉब्लम क्या है नंबर ऑफ पैकेट्स अवेलेबल है ऐसा नहीं वेट करना है ऊपर से यानी कि नेटवर्क से टोटल नंबर ऑफ पैकेट उसके पास आ रहे है प्रॉब्लम क्या है प्रॉब्लम ये है इफ एवरी फिफ्थ पैकेट दैट ए ट्रांसमिट विल गेट लॉस्ट कोई भी एक पांचवा नंबर का जो पैकेट है वो लॉस होता है और कोई ट्रांसमिशन होता नहीं और इसलिए अब आप समझेंगे गो बैक एन का प्रॉब्लम क्या है क्या गो बैक एन के अंदर आपको वापस जाके फिर से रिट्रांसमिट करना होता है जी हाँ तो क्वेश्चन ये है देन वॉट इज द नंबर ऑफ पैकेट दैट ए विल ट्रांसमिट फॉर सेंडिंग द मैसेज टू बी उसे कितने पैकेट एक्चुअली ट्रांसमिट करने पड़ेंगे सो लेट मी डू वन थिंग मैं ऊपर अटेम्प लिखता रहता हूँ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन एटीन तक ही जा रहा हूँ क्योंकि उतने ही ऑप्शन मेरे पास और नीचे रियल अटेम्प्ट में करना शुरू करता हूँ फिर जो डाउट जो कन्फ्यूज़न होगा आप मुझे बताएंगे हाँ तो गौर से देखिएगा पूरा पैटर्न और कहीं कोई डाउट होगा तो विल विल यु, यु, टेल मी पहला पैकेट भेजा दूसरा भेजा तीसरा भेजा चौथा भेजा पांचवा भेजा ऑब्वियसली एज पर क्वेश्चन फिफ्थ टेंथ और फिफ्टींथ अटेम्प्ट में प्रॉब्लम होना है बट अब आप मुझे बताओ क्योंकि विंडो का साइज थ्री है सर जब तक फिफ्थ पैकेट के लिए टाइम आउट होगा तब तक क्या पैकेट नंबर सिक्स और सेवन भी मैं ट्रांसमिट कर चुका हूँगा हाँ के ना गौर से देखिए पूरी बात और बताइए जब तक फिफ्थ पैकेट के लिए टाइम आउट होगा तब तक क्या सिक्स और सेवन नंबर में ऑलरेडी ट्रांसमिट कर चुका हूँ हाँ ये तो प्रॉब्लम है और गो बैक एंड का इशू क्या है अगर फाइव टाइम आउट हुआ तो रिसीवर क्या सिक्स और सेवन नंबर पैकेट को रेस्पेक्ट करेगा नहीं ये रिसीवर का प्रॉब्लम है तो अगर टाइम आउट हुआ तो रिसीवर सिक्स और सेवन नंबर को रेस्पेक्ट नहीं करेगा सर बेसिकली आपको फर्दर रीट्रांसमिशन करना पड़ेगा तो फर्दर आप फाइव भेजेंगे फिर सिक्स भेजेंगे सेवन भेजेंगे एट भेजेंगे और नाइन भेजेंगे और आपको लगेगा एवरेजिंग हैज़ बिन टेकन केयर ऑफ लेकिन फिर क्या होगा बताओ होगा ये टेंथ अटेम्प्ट में जो सेवन नंबर का पैकेट था वो फिर टाइम आउट करेगा उसके लिए एक्नोलेजमेंट बताओ हाँ के ना अब हालांकि मैं तो नाइन तक पहुंच के सेटल कर चुका था अगर सेवन पे टाइम आउट हुआ तब दोबारा से पूरी कहानी चलेगी तो यानी कि आप फिर से सेवन नंबर एट नंबर नाइन नंबर भेजेंगे विंडो साइज अभी भी थ्री है मैं आगे इसलिए नहीं भेज पाया क्योंकि मेरे पास पैकेट ही नाइन थे तो फर्दर भेजने का मेरे को टेंशन नहीं बट ये अगेन टाइम आउट होगा और सिक्सटीन नंबर पर फिर से मैं भेजूँगा सर हाँ तो ये बात बिल्कुल फैक्ट है इन जनरल यहां पे जो समझ आ रहा है टोटल सिक्सटीन अटेम्प्ट मुझे करने पड़ेंगे वन सिक्स सिक्सटीन अब ये पूरी कहानी है ये पूरी अंडरस्टैंडिंग है इसको ध्यान से देखिए ऑब्जर्व करिए इस पर काम करिए और मुझे बताइए पूरा आइडिया फॉलो कर पा रहे हैं क्या यस देखिए क्वेश्चन देखने में सिंपल है द फैक्ट इज इसको आंसर करने के लिए क्या स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल का विंडो साइज का एंड स्पेसिफिकली अबाउट दिस आइडिया ऑफ गो बैक एंड क्या सबका नॉलेज होना चाहिए हाँ सबका नॉलेज होगा सर तो कर पाएंगे वरना फिर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता हु? बात समझ आ रही है क्या जल्दी से प्लीज कमेंट करके मेरे को बताओ किसी को कोई भी डाउट कोई कंफ्यूजन है तो कि सर ये वाली बात नहीं समझी या क्या ये वाला पॉइंट दोबारा बता सकते हैं क्या प्लीज टेल मी प्लीज टेल मी डिस्कशन अभी लंबा चलेगा कॉपी पेन लेके तैयार रहना क्वेश्चन सॉल्व करोगे सही करोगे तो समझ आएगा गलती करोगे तो कुछ सीखोगे ताकि दोबारा वो मिस्टेक ना करो यस yes, एक और ट्राई करोगे दिस इज गेट 2004 थाउजेंड फोर टू मार्क्स स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन देखिए जरा कितनी बात समझ आती है देखते हैं टाइमिंग आई विल स्टार्ट अ क्लास फ्रॉम Uh, अभी बहुत जल्दी वैसे बाकी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी बट आई स्टार्ट अ क्लास फ्रॉम थर्ड ऑफ सेप्ट थर्ड ऑफ अक्टूबर और मैं टाइम रखूँगा इलेवन ए एम टू वन पी एम दो घंटे की क्लास मैं लगाऊंगा डी बी एम एस की इलेवन ए एम टू वन पी एम ओके, okay. इसको देखिए सर पूरा पैटर्न ऑब्जर्व करिए बताइए कैसे सेटल करेंगे ओके okay, बाकी लोग बताइए इज इट सी और समथिंग एल्स गो बैक एन है टोटल डिले बाकी सारा डेटा हमारे पास है ओके, सिंह सी संबड़ी सिंह टेन केवीपीएस बताओ भाई बी और सी बाबा सिंह बी सी देखिए, बाबा ने अगर बी बोल दिया है तो मुझे लगता नहीं अभी इधर उधर हमें कुछ बहस करने की जरूरत है <laughs> ट्राई करें एक बार बाबाइ सिट तो आंसर आंसर गड़बड़ है इसका मतलब चलिए देखते देखतेज अ प्रोपोगेशन डिले ऑफ फोर हंड्रेड मिली सेकेंड सो देर यू हैव अ अडवेट विच इज ट्वेंटी किलोबिट सो लेट मी राइट इट डायरेक्टली लाइक टेन डिज टू पावर थ्री बिट्स पर सेकेंड हैज प्रोपोगेशन डिले ऑफ फोर्टी मिली सेकेंड So, propagation delay of 400, I'm sorry, milli, let me write 10 raised to the power minus 3 seconds. The transmitter employs the go back n ARQ scheme and set n to 10. So, go back n ke liye yani the size of the sender window here is 10. Assuming that, Assuming that each frame is 100 byte long, what is the maximum data rate possible? अगर ये एज्यूम हम करें दैट ईच फ्रेम इज वन हंड्रेड बाइट लॉन्ग हर फ्रेम का लेंथ कितना है सर इट इज वन हंड्रेड बाइट तो आपसे पूछ रहा हूँ वट इज द मैक्सिमम रेट पॉसिबल यानी कि इस बार हंड्रेड परसेंट इसने क्या पूछा है सर इस बार इसने थ्रूपुट पूछा है आपसे ना ट्राई करते हैं सो वट इज थ्रूपुट मैं दोबारा याद दिला रहा हूँ थ्रूपुट इज एफिशियन टू बैंडविड तो इस बार एफिशिएंसी गिवन नहीं है कैलकुलेट करनी है कैसे कैलकुलेट करते हैं इट साइज ऑफ़ द और अभी एल्फा को ढूंढने निकलते हैं एल्फाइज है टी पी तो गिवन है टी टी टाइल कैलकुलेट करना पड़ेगा वॉट इज टी टी इज इज बाई देंड्रेड बाइट इन टू एट सो नंबर ऑफ बिट्स

एल्फाइज मुझे बताइए एक बार बाकी को लोगों के लिए भी अल्फा का वैल्यू टेन ही आया था क्या सर सो नाउट दिस इज डिड बाई ट्वेंटी टर्न आउटीट इज द रियल बैनविट सो टेन डिवाइड बाई ट्वेंटी वन मल्टीप्लाइड बाई बज ट्वेंटी के बी पी एस सो so, बात अगर एग्जैक्ट की है सो so जैसा विभोर लिख रहा है दैट इज 200 बाय 21 नो no? 200 बाय 21 एंड दिस विल बी लाइक 9.52 एंड समथिंग समथिंग तो ये आपको जो मिलेगा सर दिस इज 9.52 केबीपीएस ऑब्वियसली कहीं एग्जैक्ट काउंट नहीं है बट जो सबसे रिलेटेबल काउंट है दैट इज बी तो ये बात तो ठीक है बाबा की बट ऑल्दो बाबा वाज सेइंग इट इज नॉट 8 बट इट इज समेयर बिटवीन फाइव एंड टेन और वेरी क्लोज टू टेन सो यू कैन मार्क बी इज अ करेक्टर बताइए कॉन्फिडेंट हमने काफी सारे क्वेश्चन ट्राई किए हैं स्टॉप एंड वेट पे काफी सारे क्वेश्चन ट्राई किए हैं गो बैक एंड क्यों पर इफ वी आर रेडी देन वी कैन गो

सिंपल क्वेश्चन इन बिटवीन जहाँ पर कभी कभी सिर्फ फंडामेंटल कैलकुलेशन पे काम हो तीन से चार मिनट भी अगर आप लेंगे ये सारी कैलकुलेशन करने के लिए तो आई डोंट फील के कोई प्रॉब्लम है ट्राई करिए सर एक बार पूरा पैटर्न देखिए आइडिया देखिए बताइए कैसे सेटल करेंगे गेट 2017 में टू मार्क में सर ये क्वेश्चन पूछा था गेट 2017 टू मार्क क्वेश्चन बताइए गिव मी वन मिनट हाँ सर बताइए सिंपल टाइम बेस कैलकुलेशन करनी है डी तो बता दो यार ये तो सिंपल कैलकुलेशन है वैल्यू तो निकालनी है क्या पूछा है ट्रांसमिशन डिले प्रोपोगेशन डिले ये तो आई थिंक अभी तक जितने क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं सर हर क्वेश्चन में हमने निकाला है हाँ के ना हम्म ठीक है चलिए काम करते हैं इसके साथ फिर जो डाउट जो कंफ्यूजन होगा आप मुझे बताएंगे uh, गेट टू थाउजेंड सेवेंटीन में क्वेश्चन पूछा two marks है टू मार्क्स का एक एक करके देखते हैं कंसीडर टू होस्ट एक्स एंड वाई दो होस्ट हमारे पास हैं एक का नाम है एक्स एक का वाई कनेक्टेड बाय अ सिंगल सिंगल डेटा लिंक रेट ऑफ टेन रेज टू पर सिक्स बिट्स पर सेकेंड तो दो होस्ट को कनेक्ट करने की बात यहाँ पर हो रही है एक का नाम है एक्स एक का नाम है वाई विद अ सिंगल लिंक और जो डेटा लिंक का रेट है यानी कि जो बैंडविड्थ है दैट इज टेन रिज टू पार सिक्स नाउ द डिस्टेंस बिटवीन द होस्ट इज टेन थाउजेंड किलोमीटर डिस्टेंस आपको बता दिया इज टेन थाउजेंड किलोमीटर्स ओके एंड द प्रोपगेशन स्पीड अलोंग द लाइन सो जो प्रोपोगेशन स्पीड है दट इज टू इन टू टेन रिज टू पार एट मीटर पर सेकेंड सो दिस इज द प्रोपगेशन स्पीड नाउ आगे देखिए क्या बोल रहा है द होस्ट एक्स सेंड अफ फाइव थाउजेंड फिफ्टी थाउजेंड बास एज अ वन लार्ज मैसेज तो लेंथ जो है इट इज ग्रेट लेंथ फिफ्टी थाउजेंड बाइट का एक ही मैसेज है एक ही पैकेट है

तो प्लीज अंडरस्टैंड कि इसको कन्वर्ट करना होगा मिली सेकंड में फॉर दैट विल मल्टीप्लाई दिस बाय टू हागे नो आफ्टर डूइंग सो टोटल हैं चार इधर गया और सिक्स है ना दो इधर से गया सो इट टर्न आउट टू बी फिफ्टी मिली सेकेंड अच्छा ये भी बात में कन्फ्यूजन है कि इसको क्या बोला है द ट्रांसमिशन एंड द प्रोपेशन डिले सो यहाँ पर पी जो है इसने ट्रांसमिशन डिले को बोला है सो पी इज फिफ्टी

इट इज़ दिस वैल्यू एक सेकेंड फिफ्टी थाउजेंड बाइट था ओ माई गॉड एक गड़बड़ हमने कर दी है और ये जो बैंडविड थी ये किस में थी सर ये बैंडविड बिट्स में थी यानी कि इसको मल्टीप्लाई करना था एट्स से अभी कर देते हैं एट्स से मल्टीप्लाई करेंगे सो दिस विल बिकम फोर हंड्रेड मिली सेकेंड हाँ तो तो फिर आगे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती बिकॉज ऑटोमेटिकली वी एंड अपन डी ओनली सर

ट फिफ्टी मैच हो रहा है तो ये एक तरह का बीच में फंडामेंटल क्वेश्चन था जहां पर बस मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप मुझे टोटल आ, निकाल के बता दो प्रोपोगेशन एंड ट्रांसमिशन डिलेज नाउ दिस इज अ रियल क्वेश्चन सर ये ट्राई करिए दिस इज गेट टू थाउजेंड सिक्सटीन अ टू मार्क रियल क्वेश्चन इसको ऑब्जर्व करिए इसमें पांच मिनट भी लेंगे तो चलेगा और ये मुझे बताइए कैसे मैनेज करेंगे पहला क्वेश्चन है ये हमारा सेलेक्टिव रिपीट पे फर्स्ट क्वेश्चन ऑन सेलेक्टिव रिपीट यस ये ट्राई करो सर पहला क्वेश्चन है इसका ध्यान रखना वेरी गुड बाबा इज देयर फ्रॉम लास्ट टू आवर्स एंड दो तीन क्वेश्चन और देन आई थिंक विल बी आई विल बी वेरी मच हैपी और फिर दो चार और छोटे छोटे आइडियाज अगर आप मुझे अलाउ करोगे तो आपको ट्राई कराऊंगा गेट 2016 टू मार्क क्वेश्चन Эпинаврат Рюца. हाँ सर हंड्रेड परसेंट यूटिलाइजेशन के लिए बोल रहा है सर फोर बिट्स वेरी गुड उत्सव बाकी लोग बताओ इट इज क्लोज टू फोर मिनट्स नाउ अर्जुन एंड उत्सव बोथ आर सिंग बिट्स बाकी लोग जो ट्राई कर रहे हैं जेनविनली बैंडविड्थ हमारे पास है वन वे प्रोपोगेशन डिले दिया हुआ है क्लियर कट है कि इट्स तो अ अलेक्टिव रिपीट क्वेश्चन फ्रेम का साइज बता दिया है एक्नोलेजमेंट का ट्रांसमिशन टाइम क्लियर कट इग्नोर करना है पहले से मैंशन है मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड फॉर द सीक्वेंस नंबर फिल्ड टू अचीव हंड्रेड परसेंट यूटिलाइजेशन अभी ट्राई करता हूं एक एक करके जी हाँ मैं लूंगा ठीक मैं लूंगा, है नाउ नाउ विल ट्राई टू अंडरस्टैंड और फिर जो कंफ्यूजन मुझे बताएंगे कंसीडर कम्युनिकेशन uh, ये बैंडविड्थ आपके पास है सो so, बैंडविड्थ कितना बोला इट इज वन ट्वेंटी एट इंटू टेन टू पार थ्री बिट्स पर सेकेंड और दिस इज और फ्रेम साइज सो लेट वन किलो बाइट बाइट है ध्यान रखिएगा बाकी सब कुछ इग्नोर करना है the idea will go same. Kaise karna hai, sir? efficiency is equals to the size of the sender window divided by 1 plus 2 alpha. Yehi hai, sir, jis so, observe karna hai. so now efficiency is 1 and the size of the sender window divided by 1 plus 2 alpha. and now when you do the cross multiplication, the size of the sender window इज इक्वल्स टू वन प्लस टू अल्फा लाइक दिस तो अल्फ़ा को इन्वेस्टिगेट करते हैं एल्फा एज वी नो इट इज टी पी बाई टी 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 पी गिवेन है टी टी कैलकुलेट करना होगा इधर नीचे कर लेते टी टी इज लेंथ डिवाइड बाय बाई बैंड लेंथ इज वन किलो सो अलाउ मी टू राइट टेन डेज टू पार्ट थ्री इन जनरल नॉट प्रसाइज लाइक वन जीरो टू फोर अलाउ मी टू राइट टेन डेज टू पार्ट थ्री मल्टीप्लाई बाय एट टू कन्वर्ट इट इंट बिट्स एंड डिवाइड बाई वी एट इंटू टेन की पावर थ्री सो दैट ये बिट्स में आ जाए ये पूरा अंडरस्टैंडिंग है वो मिली सेकेंड में तो अलाउ मी टू फर्दर मल्टीप्लाइड बाई टेन डे टू पार्ट्री सो टेन डेज टू पार थ्री से टेन रेस टू पार थ्री गया दिस इज एट एंड आई थिंक दिस इज लाइक सिक्सटीन सो ये आपके पास आ गया टेन की पावर थ्री डिवाइड बाई स दिस इज वन अंडरस्टैंडिंग। वन के भी था ना एक काम करूं इसको टेन रेस टू पार्ट थ्री के बजाय फिर तो बेटर है इसको मैं ऐसे ही ना लिखू दिस इज लाइक टू रेस टू पार्ट टेन टू रेस टू पार्ट टेन को टू रेस uh, से हम कट करेंगे ठीक तो है ना एल्फा होगा वन हंड्रेड फिफ्टी मिली सेकेंड डिवाइड बाई स So obviously, ये एग्जैक्ट आते हुए तो मेरे को नहीं दिख रहा बट इसको अगर हम ट्राई करें तो कितना बनेगा बोलो डिवाइडेड बाय दिस बाई स मल्टीप्लाई बाय टू एंड प्लस वन सो इट टर्न आउट टू बी ये देखिए वैल्यू जो मेरा आ रहा है आपका भी सेम आ रहा है तो ऑब्वियसली सेंडर विंडो का साइज जो है इतना तो हो नहीं सकता एक्जैक्टली exactly. तो मेरे को कितना चाहिए सर मेरे को नंबर चाहिए सिक्स लेकिन मज़े की बात क्या है अगर सेंडर विंडो का साइज़ सिक्स है और मैं बात कर रहा हूँ सेलेक्टिव रिपीट की तो क्या रिसीवर विंडो का साइज़ भी सिक्स होगा जी हाँ तो सिक्स प्लस सिक्स नाव दैट विल बिकम ट्वेल्व प्लीज़ अंडरस्टैंड सिक्स प्लस सिक्स कितना बनेगा ट्वेल्व और नाउ द एक्चुअल क्वेश्चन इन ऑर्डर टू जनरेट डिफरेंट पैटर्न सर इतने सीक्वेंस नंबर अगर आपको जनरेट करने हैं मुझे बताइए तो कितना बिट चाहिए अगर ट्वेल्व अलग अलग जनरेट करना है तो कितना बिट चाहिए फोर बिट्स चाहिए सो ऑब्वियसली थ्री बिट में तो नहीं होगा ना थ्री बिट में एट ही कॉम्बिनेशन बनेगा यूनिट फोर बिट्स तो यही अंडरस्टैंडिंग है सर यही आइडिया है और इसी के बेस पे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं बोलिए सर इस टॉपिक पे भी कॉन्फिडेंस है क्या स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन अब मुझे जल्दी से बताओ इस टॉपिक पे दो तीन क्वेश्चन और ट्राई करने हैं या लेट मी ट्राई लेट मी ट्राई सम न्यू आइडिया लाइक एरर एरर कंट्रोल और फ्रेमिंग और इथरनेट समथिंग लाइक दिस बताइए जल्दी से अगर एक दो क्वेश्चन और ट्राई करने हैं

लेकिन जब तक प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं करेंगे और जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना सर उतना ज़्यादा फिर वो दिमाग में एकदम बैठ जाएगा एरर कंट्रोल के लिए वेट आ गया चेंज कर दें ठीक बात है ओके ओके सो सर आपकी रिक्वेस्ट सर आँखों जैसा आप बोल रहे हैं एरर कंट्रोल चलो एरर कंट्रोल में अगेन चीज़ें तो बहुत सारी हैं एक दो नए आइडियाज़ हैं वो आपको समझाने की कोशिश करता हूँ एरर कंट्रोल आफ्टर टू थ्री क्वेश्चन अबे यार जल्दी से सोच के बता दो एक बार बाकी लोग बाकी लोग कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्या फिर बोलोगे अंडर हंड्रेड रैंक चाहिए और समथिंग लाइक दिस कैसे आएगा चलो अच्छा ठीक है एक क्वेश्चन और करो जल्दी से दिस इज अगेन गेट टू थाउजेंड फोर्टीन पुराना क्वेश्चन नहीं है सर इट इज गेट टू थाउजेंड फोर्टीन क्वेश्चन करो ऑब्जर्व जल्दी से मेरे को आंसर निकाल के बताओ ये अभी हमने किया टू थाउजेंड सिक्सटीन का ना एक अगेन सीक्वेंस नंबर ही पूछ रहा है अब क्या डेटा गिवन है कैसा है देखेंगे ठीक है आफ्टर दिस क्वेश्चन विल गो फॉर अ न्यू टॉपिक फ़िलहाल इस क्वेश्चन के बारे में बताइए सर गेट 2014 बिल्कुल पैटर्न पे पूछ रहा है कैसे सेटल करें इसको बताइए ऑप्शन दूँ क्या क्या बोलोगे फाइव फोर थ्री टू सिक्स सेवन कितना बिट चाहिए बिकॉज उसके बाद तो मैं कॉम्बिनेशन बनाने होंगे ना चलिए एक एक करके ऑब्जर्व करते हैं फिर कोई भी डाउट कोई भी कंफ्यूजन होगा तो आप मुझे बताएंगे यस लुक एट दिस कंसीडर क्या बोल रहा है कंसीडर अ सेलेक्टिव रिपीट विंडो प्रोटोकॉल यूज अ फ्रेम साइज ऑफ वन केबी। सो हियर लेंथ कितना बोल दिया सर इसने वन किलो बाइट बोला लेंथ एंड सेंड अ डेटा ऑन अ वन पॉइंट

जो रिक्वायर्ड है टू रिप्रेजेंट द सीक्वेंस नंबर इस सीक्वेंस नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए अगेन शुरू कर लेते हैं सर एफिशिएंसी का जो बेसिक आइडिया हमारे पास है एफिशिएंसी इज अभी तो धीरे धीरे पैटर्न एकदम रट जाएगा आपको इट इज़ द साइज ऑफ सेंडर विंडो डिवाइडेड बाय वन प्लस टू एल्फा एफिशियंसी सिक्सटी अलाउ मी टू राइट सिक्स बाय एंड देन साइज ऑफ सेंडर विंडो डिवाइड बाई वन प्लस टू और सिक्स बाई टेन लिख दूँ या थ्री बाई फाइव लिख दूँ ना इफ़ आई डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो साइज़ ऑफ द सेंडर विंडो इन टू फाइव इज इक्वल्स टू थ्री प्लस अल्फा ऐसा ही है ना और इवन साइज ऑफ द सेंडर विंडो विल भी थ्री प्लस सिक्स एल्फा डिवाइड बाई फाइव अभी एल्फ़ा की कहानी है एल्फ़ा इज़ टी पी बाई टी टी तो एज यूजल टी पी गिविन है टी टी कैलकुलेट करते हैं इट इज़ लेंथ बाई बट लेंथ इज वन थाउजेंड और If I, if I want to be precise, किसने कुछ बोला तो है नहीं अभी? चलो वन थाउजेंड ही ले लेता हूँ मल्टीप्लाई बाई एट बिट्स में लाने के लिए और डिवाइडेड बाई बिट विच इज वन पॉइंट फाइव के मिलियन बिट्स पर सेकेंड सो वन पॉइंट फाइव इंटू टेन रिज टू पार्स अब ये सेकेंड में है तो अलाउ मी टू मल्टीप्लाई बाई टू पार्ट्री सो देट ये भी मिली सेकेंड में आ जाए है ना ये होगा इसको कैलकुलेट करेंगे सर कितना आएगा नाउ दैट इज़ सिक्स ये इधर थ्री uh, इधर गया एंड थ्री इधर गया दिस इज एट डिवाइड बाय वन पॉइंट फाइव ऐसे कर लूँ टीपी गिवन है मेरे पास फिफ्टी है सर सो फिफ्टी बाय वन डिवाइड बाय एट डिवाइड बाय वन पॉइंट फाइव सो दिस इनटू दिस दिस इनटू दिस तो दिस विल बी फिफ्टी इंटू वन पॉइंट फाइव एट यानी कि सेवेंटी फाइव डिवाइड बाय एट हाँ तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करके क्रॉस चेक करूँ सर सो सेवेंटी फाइव डिवाइड बाय एट टर्न आउट टू बी नाइन पॉइंट समथिंग समथिंग दिस इज़ अल्फ़ा इसको मल्टीप्लाई करना है सिक्स से फिफ्टी सिक्स पॉइंट समथिंग इसमें प्लस करना है थ्री फिफ्टी नाइन पॉइंट समथिंग इसको डिवाइड करना है फाइव से दिस विल बी 11. पॉइंट समथिंग समथिंग यस yes, 11.85 पॉइंट एट फाइव मेरा आ रहा है अगर एलेवन पॉइंट एट फाइव है सो ऑब्वियसली आई हैव टू गो फॉर ट्वेल्व और सिर्फ ट्वेल्व में काम नहीं चलेगा दिस इज ट्व देन देर मस्ट बी ट्वेल्व प्लस ट्वेल्व सो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन जो मुझे चाहिए दैट विल बी ट्वेंटी फोर मेरी बात ठीक है ट्वेंटी फोर से कॉम्बिनेशन बनाना है तो फाइव बिट्स तो कम से कम लगेगा सो इफ़ यू अलाउ मी कैन आई फिल इन दिस ब्लैंक एंड देन लेट मी राइट फाइव अब बताइए सर एक और क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं क्या सेम फ्रेमवर्क है सेम आइडिया है फिर तो बस ये है कि वन बाय वन वैल्यू बाय वैल्यू आपको करते जाना है लगाते जाना है फोन करना है सब लोग क्लियर है एकदम कोई कंफ्यूजन कोई डाउट है किसी को ठीक है अब मैं प्रॉब्लम चेंज कर रहा हूं and let me take you to the new idea as error control error control apne aap mein you know ek important topic hai koi bata sakta hai yahan se kaun kaun se important areas hain jahan pe you know historically error control se question pucha gaya hai sir aise kaun kaun se areas hain from where you get a question from error control crc यस yes. तो आइडिया बहुत सारे हैं बट जैसा इस क्लास का एजेंडा है कि लिमिटेड टाइम के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम पे आपको ले चलूँ तो डू यू अलाउ मी टू तो डायरेक्टली गो टू सी आर सी अच्छा सी आर सी के अंदर भी मुझे बताओ उसका थियोरिटिकल बैकग्राउंड पर पहले काम करें या सीधे आपको क्वेश्चन पर लेके जाऊँ और फिर क्वेश्चन सोल्व करने के लिए जो मैच चाहिए फिर उस पर लेके आऊँ आपकी इच्छा आप बताओ जल्दी से जो पहले कमेंट करेगा सर उसकी बात मानी जाएगी बिकॉज इसका मतलब वो यहाँ पे वट शुड आई से यहाँ पे एक्टिवली प्रेजेंट है मेंटली प्रेजेंट है सी आर सी इन बिट स्टिंग यू नो डिफरेंट आइडिया फ्रॉम सी आर सी ये दो तो आपस में रिलेटेड नहीं है पॉलिनोमियल वाला क्वेश्चन काफ़ी फेमस है चलो ठीक है फिर आपको poly, आपने बोल दी ऐसी बात सर आपको फिर पोलिनियल का क्वेश्चन ही सॉल्व कराता हूँ और बताओ ये कर लें इससे रिसेंट क्या है गेट ट्वेंटी ट्वेंटी वन में पूछा है सर इट इज गेट ट्वेंटी ट्वेंटी वन द पॉलिनोमियल वाला आइडिया ओनली ठीक है तो इसी को करेंगे और शानदार तरीके से करेंगे एक बार पूरा पैटर्न आप देख लीजिए थोड़ा सा समय मैं आपको देता हूँ पूरा क्वेश्चन पढ़ने का फिर उसको सॉल्व करते हैं सर ये ट्वेंटी वन में पूछा है मैं टाइमर दूं हालांकि मैंने कुछ बताया नहीं बट फिर भी एटलीस्ट सॉल्व क्या कर रहे हैं उससे पहले एक छोटी सी कोशिश तो बनती है इसको पढ़ने की बट एंटिव हो जाइएगा नया आइडिया है आप में से कुछ लोगों ने ऑब्वियसली बीच में भी ज्वाइन किया होगा इज़ अ न्यू आइडिया सर अभी बी एस कंप्यूटर साइंस थर्ड ईयर का कोर्स कर रहा हूँ क्या गेट में एग्ज़ाम पास करके आई में एडमिशन ले सकता हूँ uh, नहीं सर बी अभी आप कर रहे हैं तो अगर आप आई होप आप एम की बात कर रहे हैं तो उसके लिए यू हैव टू हैव अ पोस्ट ग्रेजुएशन सो इधर बी और एम सी ए हंड्रेड ओके वेरी गुड उत्सव बाकी लोग देखिए बाकी लोग को मैथ पता है क्या पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आप एम एस सी एम सी ए कर रहे हैं देन यू आर एलिजिबल

सो दिस इज एक्स का पावर जीरो दिस इज वन टू थ्री फोर फाइव फाइव तक कुछ नहीं है तो सीधे आपको मिलेगा का पावर सिक्स प्लस एक्स का पावर सेवन और जनरेटर पॉलिमिल जो आपके पास है वो है एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन अभी बातें थोड़ी अजीब अजीब सी लगेंगी धीरे धीरे पूरा फॉर्मेट आप फॉलो करने लगेंगे नाउ यहां पे हम मॉड्यूलो अर्थमेटिक डिवीजन यूज़ करते हैं तो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट बट आपको मजा आएगा ना दिस इज़ एक्स क्यूब और मेरे पास है एक्स सेवन तो बताओ मुझे किससे चलाना पड़ेगा सर मेरे को चलाना पड़ेगा और मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक्स का पावर फोर से मुझे पहली बिट हमेशा होल्ड करानी है तो एक्स का पावर फोर से अगर मैं चलाऊंगा सो दिस विल बिकम एक्स का पावर सेवन प्लस एक्स का पावर फाइव प्लस एक्स का पावर फोर हाँ और यहाँ पे जो वैल्यू रिपीट हुई मान ली वो कैंसिल हो गई तो ये सेवन से सेवन कैंसिल हो जाएगा और आपको जो मिलेगा वो है एक्स का पावर सिक्स प्लस एक्स का पावर फाइव प्लस एक्स का पावर फोर प्लीज अंडरस्टैंड यस अब ध्यान से देखिएगा वन बाय वन पैटर्न ऑब्जर्व करके uh, अगला मेरे को क्यूब चाहिए और यहाँ पर है सेक्स uh, तो मैं थ्री से मल्टीप्लाई करूँ सर सो व्हेन आई डू आई विल गेट एक्स का पावर सिक्स प्लस एक्स का पावर फोर प्लस एक्स क्यूब बाई डूंग सो ये देखो सिक्स से सिक्स गया फोर से फोर गया सो वट यू गेट इज एक्स का पावर फाइव प्लस एक्स का पावर थ्री और आगे बढ़ सकता हूँ फिर देखो अभी मेरे को क्या चाहिए इधर फाइव चाहिए ना मेरे पास थ्री है किस से मल्टीप्लाई करूँ अलाउ मी टू मल्टीप्लाईड बाई एक्स का पावर टू सो एक्स का पावर टू से जब मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो क्या मिलेगा बोलो आई विल गेट एक्स का पावर फाइव प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर पा रहे हैं क्या एक करके वन बाय वन ये देखो फाइव से फाइव गया क्यूब से क्यूब गया और फिलहाल जो रिमाइंडर है वो है एक्स स्क्वायर क्या उसको फर्दर डिवाइड करने की जरूरत है क्या सर डिवीजन हम तभी तक करते हैं जब तक वैल्यू हमसे छोटी ना हो जाए और यहाँ देखिए ऑलरेडी हम एक्स क्यूब पे हैं तो ये ऑलरेडी छोटा हो चुका है दिस इज इट इसको अगर मैं दोबारा पॉलिनोमियल से

और ये क्वेश्चन फैशन में है सर एरर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते पूरे एरर हैंडलिंग मेथड से बट हाँ सी आर सी एक ऐसा टॉपिक है जो यू you नो know, इनके दिल के करीब है रिपीटेडली सी आर सी से क्वेश्चन पूछा जाता है सर तो उसको बहुत ध्यान से आपको पढ़ना भी है समझना भी है ऑब्जर्व भी करना है बताइए अभी ये क्वेश्चन क्लियर है क्या हाउ यू आर गेटिंग हंड्रेड पास कर पाए वो अलग बात है सर आप किसी भी ब्रांड से अगर इंजीनियरिंग किया हुआ आप किसी भी दूसरी ब्रांड से लिख सकते हैं नॉट एन इश्यू एक और क्वेश्चन ट्राई करें अगर ये आइडिया आपको क्लियर हो गया है नाउ कैन यू ट्राई दिस वन गेट 2017 अगेन से रिसेंट ईयर क्वेश्चन टू मार्क कुछ लोग तो पहले सॉल्व कर पा रहे थे बट ऑबियसली कुछ लोगों ने उसको पहली बार ऑब्जर्व किया होगा तो इसको ज़रा देखिए ट्राई करिए और मुझे बताइए कैसे हैंडल करेंगे सर बताइए पैटर्न ऑब्जर्व कर पा रहे हैं क्या डंडन बिट में वन हंड्रेड वन आएगा ओके विल विल सी एंड विल इन्वेस्टिगेट अर्जुन सिंह सी ओके बाकी लोग बताओ भाई

अब वैसे तो मैं एक बार अगेन लिख के आपको दिखा देता हूँ वैसे जो मैसेज है जैसे जीरो वन जीरो वन वन जीरो वन वन ये मैसेज है बट जब आप इसे डिवाइड करेंगे ये जनरेटर पॉलिनोमियल क्या है दैट इज बेसिकली एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन तो क्या आपको इसके बाद कुछ जीरोज़ लगाने पड़ेंगे यस हाउ मेनी जीरो थ्री ज़ीरोज़ बिकॉज जो भी एक्स का मैक्सिमम डिग्री है लाइक दिस अब इसको जब मैं लिखता हूँ पोलिनियल फॉर्मेट में सर तो वो फॉर्मेट समझना ज़रूरी है सो दिस इज़ लाइक एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन और ये पोलिनोल फॉर्मेट में क्या बनेगा एक्स का पार जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड नाइन आई स्टार्ट विद एक्स का पावर नाइन प्लस एट नहीं है एक्स का पावर सेवन एक्स का पावर सिक्स है फाइव नहीं है एक्स का पावर फोर एक्स का पावर थ्री है और टू वन और जीरो नहीं है पहले बताइए यहाँ तक की बात समझ आती है क्या कि कैसे हमने इसको पहले पॉलिनियल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया आमतौर पर पॉलिनोम फॉर्मेट में कन्वर्ट करना और यू नो कन्वर्ट करके सॉल्व करना आप ज़्यादा आसानी से सॉल्व कर पाएंगे रिलेटिवली अब आगे बढ़ता हूँ तो so, पहली बार बताइए किससे चलेगा सिक्स से ना नाइन पे लेके जाना है सो दिस इज़ लाइक नाइन एंड दिस इज़ लाइक सेवन एंड दिस इज़ लाइक सिक्स कुछ किस्मत ज़्यादा सेटल्ड है हमारी आप देखिए तीनों के तीनों कैंसिल हो गए ग्रेट अगली बार मेरे पास है एक्स क्यूब एक्स का पार फोर एंड एक्स क्यूब इस बार आई थिंक एक्स से चला दूं एक्स से चलाऊँगा सो दिस इज एक्स का पावर फोर एंड एक्स स्क्वायर एंड एक्स एंड ऑबियसली दिस विल गेट कैंसल्ड तो मुझे मिलेगा चला सकते हैं सो दिस विल बिकम एक्स क्यू प्लस एक्स प्लसलीस विल गेट कैंसल्ड एंड दिस इज ऑल्सो कैंसल आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस इन जनरल बिकम वन जीरो वन सो डेटा के बाद लास्ट के तीन बिट वन जीरो वन किधर है सर डेटा के बाद लास्ट के वन ज़ीरो वन इधर सी में है देर बाय हंड्रेड परसेंट विदाउट अ डाउट करेक्ट आंसर हो जाता है ये वाला अब बताइए सर पूरी अंडरस्टैंडिंग पूरा लॉजिक फॉलो कर पा रहे हैं क्या कोई डाउट कोई कन्फ्यूजन किसी को ड्रॉपर जिसमें ज़ीरो आएगा एक्स उसका पावर नहीं लेगा दिस इज इज सिक्वेंशली हाउ टू कन्वर्ट मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ मान लीजिए आपके पास लिखा है वन ज़ीरो वन वन जैसे कैसे लिखना है वन इंटू एक्स की पावर ज़ीरो प्लस वन इंटू एक्स का पावर एक्स का पावर वन लाइक दिस प्लस जीरो इंटू एक्स का पावर टू हर एक्स का पावर बढ़ाते जाओ एक्स इंटू वन इंटू एक्स का पावर थ्री तो ऑब्वियसली जीरो वाली टर्म यहां से कैंसिल होगी तो जो बचेगा वो बचेगा एक्स क्यूब प्लस एक्स का पार वन एंड प्लस वन बिकॉज एनीथिंग रेस्ट टू पार जीरो इज वन ओनली दिस इज द आइडिया सर बताइए पूरा ऑब्जर्वेशन देखिए वैल्यू देखिए मुझे बताइए सेटल कर पा रहे हैं क्या कोई डाउट कोई कंफ्यूजन किसी को ओके okay. एक क्वेश्चन और ट्राई करेंगे आप बोलोगे सर क्वेश्चन बहुत कराते हो क्वेश्चन सॉल्व करने से ही विद टाइम आपको क्लैरिटी मिलेगी ये ट्राई करो एवरीथिंग इज क्लियर ग्रेट This is get 2007 a two mark question जल्दी से देखिए वैल्यू देखिए ऑब्जर्व करिए मुझे बताइए फॉलो कर पा रहे हैं क्या हाँ सर चार ऑप्शन हमारे पास हैं ओके उत्सविंग सिंह बी इज द करेक्ट आंसर कोई बात नहीं पूरी इक्वेशन बनानी है वैल्यू भरना है सॉल्व करना तो समय तो लगेगा वो भी देखेंगे सॉल्व करके देखेंगे पता लगेगा बाकी लोग बताओ इज ऑल्सो सिंग बी इज द करेक्ट आंसर ओके सर ग्रेट ग्रेट नहीं ग्रेट एफर्ट और तीन घंटे बैठना चीजों के ऊपर काम करना क्वेश्चन सॉल्व करना आसान काम नहीं है चलिए करके देखते हैं मैसेज हमारे पास है सीआरसी पोलिनोम है डिवाइड करना है और अगेन पूछ है पूरा ट्रांसमिशन कैसे होगा शुरू करें सर सो so, अभी तक अंडरस्टैंडिंग काफी हद तक क्लियर हो चुकी होगी आई थिंक तो सी आर सी पोलिनोमियल यानी डिवाइड करना है एक्स क्यू प्लस वन से दिस इज इट अच्छा ये वैल्यू हमारे पास और अगेन क्यू प्लस बने तो तीन बिट आगे लगेंगे सो so, तीन बिट यानी कि मैं मानता हूँ ज़ीरो वन टू नाउ दिस इज़ एक्स क्यू फिर फोर नहीं है फाइव नहीं है दिस इज़ प्लस एक्स का पावर सिक्स फिर सेवन नहीं है एट नहीं है एंड देन यू हैव एक्स का पावर नाइन प्लस एक्स का पावर टेन बताइए पूरी अंडरस्टैंडिंग पूरा आइडिया समझ आया क्या यस yes. अब इसको जब फर्दर आगे चलाएंगे सर इसको फर्दर ऑब्जर्व करेंगे तो कैसे चलेगा गौर करिए नाउ टेकिंग इट फर्दर सबसे पहले तो चलेगा एक्स का पावर सेवन से सो जैसे एक्स का पावर सेवन और सॉरी एक्स का पावर टेन प्लस एक्स का पावर सेवन सो so, ये टेन से टेन कैंसिल होगा बट स्टिल हैव इज लाइक एक्स का पावर नाइन प्लस सेवन प्लस सिक्स प्लस थ्री अब चलेगा ये फोर से तो फोर इंटू थ्री इज सेवन सो दिस इज सेवन प्लस दिस तो फोर से फोर कैंसिल हो जाएगा एंड यू विल हैव इज नाइन एंड सिक्स एंड फोर एंड क्यूब आई एम सॉरी फोर से गलत चला है ना थ्री ये तो सिक्स से चलाना था इस बार क्योंकि नाइन वाला ला कट करना था ना सो दिस इज नाइन एंड दिस इज सिक्स तो नाइन से नाइन कट होगा सिक्स से सिक्स होगा हमें मिलेगा सेवन और थ्री इसको दोबारा सा लिख लेता हूँ सॉरी सर हमको मिलेगा एक्स का पावर सेवन एक्स का पावर सेवन और एक्स का पावर थ्री ये ठीक है अभी देन नेक्स्ट टाइम चलाऊंगा एक्स का पार फोर से गौर करो तो अगेन मेरे को मिलेगा एक्स का पार सेवन प्लस एक्स का पार फोर नॉ दिस विल गेट कैंसल्ड आपको मिलेगा एक्स का पार फोर प्लस एक्स थ्री और इस बार चलाओगे एक्स के साथ तो कितना मिलेगा बोलो एक्स का पावर फोर प्लस एक्स तो दिस विल गेट कैंसल्ड यू गेट एक्स क्यू प्लस एक्स इस बार चलाओ वन के साथ तो आपको मिलेगा एक्स क्यू प्लस वन सो बेसिकली यू गेट एक्स प्लस वन विच टू बी ज़ीरो वन वन तो ज़ीरो वन वन बिल्कुल सही आप बोल रहे थे जो लोग ऑप्शन बी की बात कर रहे थे क्या ऑप्शन बी से मैच कर रहा है सर हाँ कर रहा है ज़ीरो वन वन ऑप्शन बी के साथ हंड्रेड परसेंट मैच कर रहा है तो पूरा पैटर्न देखिए वन बाय वन ऑब्जर्व करिए फिर कोई डाउट कोई कन्फ्यूज़न है तो मुझे बताइए बताइए सर पूरा पैटर्न पूरा आइडिया फॉलो कर पा रहे हैं क्या हम्म hmm? पैटर्न पे क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे हैं कोई कंफ्यूजन है किसी को एक आखिरी क्वेश्चन सर प्लीज डोंट से तो उसे पता नहीं को अच्छा नहीं लगता आई डोंट नो एक बार दोबारा बताइए क्या बोलना आप चाह रहे हैं एक आखिरी क्वेश्चन और करो भाई गेट 2005 ग्रेट बाबा एक आखिरी क्वेश्चन और ट्राई करो ऑन दिस टॉपिक एरर वाले पार्ट पे आपने सीआरसी के लिए बोला था सॉरी ट्राइड की चलो ठीक है सीआरसी पे ट्राई करते हैं ट्राई दिस वन दिस इज गेट टू सर गेट टू थाउजेंड फाइव टू मार्क क्वेश्चन है मैसेज हमारे पास है वैल्यूज हमारे पास है सॉल्व करना है आंसर निकालना है

उटियसर क्वेश्चन किसी भी टॉपिक को जब आप पढ़ते हैं कहीं से भी पढ़ रहे हैं कोई भी मैंटरशिप के अंदर है अगर उस टॉपिक के कंसर्न पी वाई क्यूज हम सोल्व कर पा रहे हैं देन एवरी थिंग मेक्स सेंस अगर वो नहीं हो रहा तो फिर यू you नो know, कोई भी स्ट्रेटेजी मेरे हिसाब से वो परे है उसका कोई मतलब नहीं है देखिए यहाँ पर मे एक बात समझनी है टॉपिक पे आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग उस बात से एक्चुअली कोई फर्क नहीं पड़ता बिकॉज आपकी अंडरस्टैंडिंग तो क्वेश्चन से सॉल्व जज हो रही है ना तो जो एग्जैक्ट क्वेश्चन है वो आप कैसे हैंडल कर पा रहे हैं उस पर आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यस yes. ठीक okay. है ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ क्या भाई बताओ ए इज द करेक्ट आंसर ओके बाकी लोग बताइए ऑप्शन है सो इट्स लाइक कंसीडर अ फॉलोइंग मैसेज सो दे यू हैव अ मैसेज अगेन पूरी प्रोसेस हमें हैंडल करनी है सीआरसी फॉर द मैसेज एंड डिवीजर पॉलिनामियल इज दिस

तो फाइव है तो फ़ाइव ज़ीरो मेरे को लगाना पड़ेगा तो ये लेंदी हो जाएगा ओके तो फाइव ज़ीरो अगर मैंने लगाया एक्स का पावर ज़ीरो वन टू थ्री फोर फोर के बाद चालू होगा सो दिस वन इज़ एक्स का पावर फाइव फिर सिक्स नहीं चाहिए एक्स का पावर सेवन प्लस एक्स का पावर एट उसके बाद नाइन टेन एलेवन मेरे को चाहिए ट्वेल्व सो एक्स का पावर ट्वेल्व फिर थर्टीन नहीं चाहिए मेरे को चाहिए फोर्टीन सो फोर्टीन टन एंड फाइव ये चार टर्म्स बनेंगे जिनको एनालाइज करना है ऑब्जर्व करना है और जिनके बेस पे क्वेश्चन सॉल्व करना है है ना अब एक एक करके अपन आगे बढ़ते इन्वेस्टिगेट करते हैं फिर जो भी कंफ्यूजन जो भी डाउट आपको होगा आप मुझे बताएंगे सर सो so, सबसे पहले किससे चलाऊं बोलो एक्स का पावर नाइन नॉट नाइन यस एक्स का पावर नाइन से सो नाइन से चलाऊंगा सो दिस विल बिकम फोर्टीन एंड देन दिस विल बिकम थर्टीन एंड दिस विल बिकम इलेवन एंड दिस विल बिकम नाइन सो फोटीन से फोर्टीन गया और एक ही टर्म गया फ़ायदा कम हुआ नुकसान ज़्यादा सो नाउ आई हैव थर्टीन एंड देन टल्व एंड देन इलेवन एंड देन नाइन एंड देन एट एंड देन सेवन एंड फाइव यस अगला बताओ फाइव मेरे पास है थर्टीन मेरे को चाहिए एक्स का पावर एट से चलाऊंगा ना सो दिस इज लाइक थर्टीन एंड ट्वेल्व एंड टेन एंड एक्स का पावर एट सो थर्टीन गया ट्वेल्व गया टेन नहीं है एट गया क्या बच्चा सो नाव यू हैव इलेवन एंड देन यू हैव टेन and then you have nine and then seven and then five like this. Further आगे बढ़ते हैं next चलाएंगे x का power सिक्स से तो सिक्स से चलाएंगे तो क्या मिलेगा यूल हैव इलेवन then टेन एंड एट then सिक्स सही है इलेवन गया then टेन गया तो अभी क्या बचा इलेव एक्स का पावर नाइन एंड देन एट एंड देन सेवन एंड देन सिक्स एंड देन फाइव फर्दर आगे बढ़िए एक्स का पावर फोर से चलाएंगे सो विल हैव नाइन एंड देन एट एंड देन सिक्स एंड देन फोर सो नाउ दिस गॉट कैंसिल दिस गॉट कैंसिल सिक्स गया ओ oh भाई कितना लंबा चल रहा दिस इज लाइक सेवन हाँ आप लोग सॉल्व कर पाए पूरा क्या दिस इज लाइक सेवन एंड देन उसके बाद क्या बचा सर उसके बाद फाइव वाला टर्म है और फोर वाला टर्म है फिर चलाइए कितने से चलेगा इस बार इसको चलाएंगे सेवन एंड फाइव तो टू से चलेगा ना तो दिस इज लाइक सेवन एंड देन सिक्स एंड देन फोर एंड देन टू तो सेवन गया फोर गया इधर लिख लेता हूँ साइड में मेरे पास सिक्स वाला टर्म बचा फाइव वाला टर्म बचा टू वाला टर्म बचा फर्दर चलाता हूँ प्लस एक्स का power six plus x का क्यूब एंड एक्स एंड ओनली एक्स लाइक दिस सो ये फाइव फाइव फाइनली जो टर्म बचा वो है थ्री एंड स्क्वायर एंड एक्स ओनली हाँ तो ये फाइनल मैसेज क्या बनेगा वन है वन है ज़ीरो सो वन 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 ज़ीरो और पांच का क्योंकि था ए ज़ीरो स्टार्टिंग का सो हंड्रेड एंड टेन परसेंट ऑप्शन ए के साथ मैच हो रहा है अब बताइए सर पूरा गेम पूरा आइडिया फॉलो कर पा रहे हैं क्या इतने सारे क्वेश्चन इतने सारे आइडियाज़ पर हमने काम किया है हु? अभी कोई डाउट कोई कंफ्यूजन है किसी को तो बोलिए बताइए सर पक्की बात है सॉल्व फॉलो कर सॉलो फॉलो कर पा रहे हैं अब ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नॉलेज तो चाहिए ही चाहिए ऑब्वियसली विदाउट नॉलेज हाउ विल सॉल्व दिस क्वेश्चन बट नॉलेज के साथ साथ डू यू आल्सो नीड पेशेंस बिना पेशेंस के सोचे कैसे करेंगे एक वैल्यू भी इधर उधर हुआ और मामला गड़बड़ हो गया तो गेम खराब हो जाएगा चलिए सो आई थिंक जो मेरा ऑब्जेक्टिव था और जिन लोगों ने डायरेक्ट सेकंड क्लास देखिए फर्स्ट वाली भी चेक करिएगा पार्ट वन और पार्ट टू के अंदर की डेटा लिंक लेयर पे आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कराऊं नेटवर्क्स में वो मैंने कराने की कोशिश की है बाकी अब जैसा आपको पता है कि कल से ब्रह्मास्त्र बैच स्टार्ट हो रहा है है ना इसी चैनल पर आपको सारा डेटा सब कुछ मिलेगा और आप अगर बोलो तो थोड़ी सी डिटेल्स बताऊं आपको थोड़ा सा डिटेल्स बताता हूँ जस्ट गिव मी अ सेकेंड जी हाँ तो यहाँ देखिएगा सर तो आप जैसा देख सकते हैं यहाँ पे आई विल बी स्टार्टिंग डी बी एम एस मैं डी बी एम एस स्टार्ट करूँगा और ये जो क्लास चलेगी फ्रॉम थर्ड ऑफ अक्टूबर से चलेगी इलेवन एम मैं दो घंटे की क्लास लगाया करूँगा एलेवन टू वन विशदीप सर एंड गुरपाल सर विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो ओनली तो कल की क्लास मिस मत करिएगा विशदीप सर विल स्टार्ट फ्रॉम कंप्यूटर आर्किटेक्चर फ्रॉम कंप्यूटर आर्किटेक्चर शेड्यूल देखिए और क्लास आपकी लगेगी शाम को पाँच बज के पंद्रह मिनट पे फाइव फिफ्टीन फाइव फिफ्टीन पे आपको क्लास लगेगी एंड देन ओ आई एम सॉरी थर्टी तो टुडे इज ओनली आई एम सॉरी आज ही लगेगी शाम को एंड देन नाइन पी एम गुरुपाल सर विल टेक इंजीनियरिंग मैथ्स थर्टी तो आज ही है भाई अपना देखो कोई सैटरडे संडे तो है नहीं तो थोड़ा बहुत गड़बड़ हो जाता है ये देखिए सर एंड देन गुरपाल सर विल बी स्टार्टिंग इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फ्रॉम नाइन पी एम दिस इज ओनली फॉर सी एस आई टी सर ये सिर्फ सी एस आई टी के बारे में ही बात हो रही है प्लीज प्लीज अंडरस्टैंड एवं देखिए पूरा पैटर्न फॉलो कर पा रहे हैं क्या शेड्यूल का कई लोग पूछ रहे थे हाँ आपको ये आइडिया क्लियर है क्या इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताइए ठीक है तो बाकी जैसे जैसे शेड्यूल आगे बढ़ेगा आगे की बात आपको अपन अपडेट करते रहेंगे बट दिस इज अ मेन आइडिया एक सेकेंड और रुकिएगा ओके सर चलिए तो इस क्लास को यहीं एंड करता हूँ थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास पूरा ब्रह्मास्त्र लगाइए उत्सव आपकी प्रिपरेशन मेरे को लग रहा है ठीक ठाक लेवल पे है और अभी तो यहाँ पे हमने इंट्रैक्शन स्टार्ट किया है इसको और आगे लेके जाएंगे नेक्स्ट लेवल पे यस एंड थैंक यू अगेन एक बार लाइक ज़रूर करिएगा जिन लोगों ने लाइक नहीं किया होगा जो लोग बाद में आए हैं पूरा रिकॉर्डिंग देखिए इन्जॉय द सेशन एंड थैंक यू सो मच अगेन लव यू ऑल बाय 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 सर